श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 Mm-hmm.
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारा प्रभो नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो कृतार्थो हम न संशय यम प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह का तरआजुहा पुत्रे तितन्मयतया तरवो भिने दो तम सर्वभूतहृदयम् मुनि योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् गावो ममाग्रतस्तु गावो मे सन्तु प्रीष्टत
गाओ मेरे हृदय संतो, गवा मध्ये वसाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च उत्पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बाल कृष्णलाल की जय। जगत जन गौ माता की जय। सब संत हरि भक्तों की जय। भगवती तुलसी महारानी की जय। श्री जगन्नाथ हरि।
श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। परम कृपालु, परम दयालु, ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरिभक्त वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त भगवत स्वरूपों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त भू देवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवती तुलसी महारानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर श्री जगन्नाथ स्वामी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री गोदारंगनाथ के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंह के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। आइए भगवत कृपा से जो भी समय हमें प्रभु कृपा से मिला है उस समय को सार्थक करने के लिए कुछ एक क्षण भगवत चर्चा करते हैं। थोड़ा ऋतु परिवर्तन का प्रभाव है, आप लोग उस तरफ न ज्यादा सोचते हुए कथा श्रवण का सुख लें। जहां से आया हूं वहां तो बहुत ठंडी थी, यहां एकदम उष्णकाल है और कुछ अन्य अतिरिक्त श्रम वगैरह सब है, तो कोई वो बात नहीं है। प्रेम से श्रवण करें सब लोग। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, धनुर्मास के पावन समय अवधि में यहां भागवती कथा सुन रहे हैं। धनुर्मास में श्री गोदाम्बा जी अपनी सखियों को साथ में लेकर के और भगवत चर्चा करती हैं। श्री रंगनाथ भगवान की, श्री नारायण की चर्चा करती हैं।
उन्हें श्री रंगनाथ भगवान को पाना है। तो श्री रंगनाथ प्रभु को पाने के लिए श्री गोदाम्बा जी चर्चा करती हैं इस प्रकार से। उस चर्चा को ही कथा कहते हैं। चर्चा करने से संसार में और कुछ तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन चर्चा करने से श्री कृष्ण को पाया जा सकता है। आप आभूषण की चर्चा करें, रास्ते में किसी ज्वेलर्स वाले की दुकान आई हो और आपने वहां कोई आभूषण देख लिया हो और आप अपनी सहेलियों के बीच में उसकी बात करें, भाई ऐसा डिजाइन था, बीच में ऐसा हीरा चमक रहा था और इस तरफ मोर हो ऐसे थे ऐसे थे, तो क्या ऐसी चर्चा करने से वो आभूषण आपके बीच में प्रकट हो जाएगा? बोलिए ना। आप चर्चा करें, ऐसा ऐसा मोबाइल फोन आया है, उसमें ऐसी फोटो आती है, उसमें ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसी चर्चा आप अपने दोस्तों के साथ करें, तो क्या मोबाइल फोन आपके हाथ में प्रकट हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन वैष्णवों, आपस में आभूषण की चर्चा करने से आभूषण प्रकट नहीं होता, आपस में मोबाइल की चर्चा करने से मोबाइल प्रकट नहीं होता, आपस में प्रधानमंत्री जी की चर्चा करने से प्रधानमंत्री जी प्रकट नहीं होते, आपस में मिठाई की चर्चा करने से मिठाई प्रकट नहीं होती, आपस में वाहन की चर्चा करने से वाहन प्रकट नहीं होता, लेकिन आपस में कृष्ण की चर्चा करने से कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाता। भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। गोपियां क्या करती थीं जी, श्री कृष्ण को प्रकट करने के लिए? आपको अपने श्रीमान जी को बुलाना हो घर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनको फोन करना पड़ेगा या व्हाट्सएप या मैसेज कुछ करना पड़ेगा। लेकिन गोपी को जब श्री कृष्ण को बुलाना होता था तो वो कोई उस समय तो कॉल मैसेज वगैरह ये सब थे ही नहीं। गोपी को जब श्री कृष्ण को बुलाना होता था तब वो गोपी अपनी सखियों के साथ में उनकी चर्चा करती थी और श्री कृष्ण आ जाते थे। ग्रहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्योग्यम्। ग्रहे ग्रहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। भगवान की चर्चा करती हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करती है सब गोपिकाएं मिलकर के। यही तरीका है भगवान को बुलाने का, या तो उनकी चर्चा और या फिर उनके नामों का कीर्तन। तो हम लोग भी भगवान को अपने हृदय में बुलाने के लिए इस कथा का आश्रय कर रहे हैं, भगवान की कथा और बीच बीच में थोड़ा कीर्तन, जिससे भगवान हमारे
हृदय में आ जाए, हमारे हृदय में आ जाए। अजी नहीं नहीं मंच पर आ जाए, भगवान को कहो ताकि सब लोग देख लें। नहीं नहीं हमारे पास में कुर्सी खाली है, वहां आ जाए। अजी नहीं, यहां आए हुए ठाकुर जी, आपकी बगल में आए हुए ठाकुर जी आपके साथ घर तक नहीं जाएंगे, लेकिन जो आपके हृदय में आएंगे वो आपके साथ घर तक जाएंगे। इसलिए वे हृदय में आए ये ही हमारे लिए अच्छा है। कृपानाथ, कलयुग है, कलयुग में भगवान के नाम से ही सब समाधान है, भगवान के नाम से ही सब निस्तारण है। और इस कली का पार भी बिना भगवान नाम के पाया नहीं जा सकता। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि गणों को कथा सुना रहे हैं, और श्री शौनकादिक ऋषि गण वहां बैठे हैं कथा सुनने के लिए। सूत जी ने पूछा, मैं आपको कितनी कथा सुनाऊं? जैसे कोई मुझे पूछता है, महाराज हमको कथा करानी है, तो मैं पूछता हूं उनसे, भाई कितने दिन की करानी है? तो क्योंकि अपने तो 3 दिन की भी करते हैं महाराज जी, 5 की भी करते हैं, 7 की भी करते हैं, 9 की भी करते हैं, 1 महीना की भी की अभी। तो पूछ लेते भाई आपको कितने दिन की, तो बोले महाराज ज्यादा तो नहीं, अभी तो आप 3 दिन की कह दीजिए। ऐसे पूछ लेना अच्छा है। तो सूत जी ने भी पूछा कि भाई आप लोगों को, आप महात्मा लोग हो, आप लोगों को भी कुछ काम होगा, कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान आदि कुछ करने होंगे, तो आपको कितना अवकाश है, आप कितने दिन की कथा सुनना चाहते हैं? तो उन महात्माओं ने कहा, कली मागत माग्याय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणां हरे कथायां सक्षणां हरे। हे महाराज, अब कलयुग आ गया है, अब कलयुग में हमारा कुछ काम नहीं है, कलयुग में अब हम काम नहीं करेंगे, कलयुग में अब भगवान के भक्त काम करेंगे। इसलिए कलयुग में ऋषि कम हुए हैं, भक्त ज्यादा हुए। तो उन्होंने कहा, हमको तो फुर्सत ही फुर्सत है, हम तो अब एकदम छुट्टी में बैठे हैं, आप कथा सुनाइए, हरि कथा दीर्घ सत्रेण, लंबा सत्र चलने। आहा कृपानाथ, सूत जी प्रसन्न हुए, इतना भाव है इन सब का सुनने के लिए। अब शौनकादिक ऋषियों ने कहा, शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे महात्मा जी,
कथा में रुचि कैसे होती है, भगवान की कथा में रुचि कैसे होती है, तो वो बताते हैं। श्रू सुषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यानम महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। सबसे पहले व्यक्ति पवित्र तीर्थों का सेवन करता है, पवित्र तीर्थों का सेवन, फिर क्या करता है जी, पवित्र तीर्थों का सेवन करता है, उन पवित्र तीर्थों में उसे महात्माओं की सेवा प्राप्त होती है, और महात्माओं की सेवा जब उसको वहां प्राप्त होती है तो उन महात्माओं की सेवा से कथा में रुचि होती है, महात्माओं की सेवा से कथा में रुचि होती है। श्री नारद जी महाराज की भी रुचि भगवान की कथा में ऐसे ही हुई थी जी। अजी कैसे हुई थी जी, ऐसे हुई थी जी, एक बार की बात, श्री नारद जी महाराज एक बार बद्री का आश्रम गए जहां बद्रीनाथ भगवान विराजते हैं। अजी आपको पता है भगवान बद्रीनाथ में क्यों विराजे, बोलिए ना जी, पता है? हाँ के ना, आधे हाँ बोल रहे हैं आधे ना बोल रहे हैं, क्या बात है? हाँ जी कि ना जी, हाँ जी बोले कि ना जी बोले, तुमको नहीं पता है ना, चल तुझे ही सुनाता हूं। जिनको पता है वो ठीक है, सुन तुम ध्यान से सुनना, फिर मैं पूछूंगा। तो एक बार नारद जी भगवान के पास गए तो भगवान उस समय ऐसे आराम कर रहे थे, तो भगवान ने कहा, कहो नारद जी कैसे आए? बोले ऐसे ही आ गए आपको मिलने के लिए। तो भगवान ने कहा, कुछ कहना चाहते हो? तो नारद जी ने कहा, हाँ भगवान कुछ कहना है। तो भगवान ने कहा, क्या कहना है? तो नारद जी ने कहा, भगवान मैं जब भी आता हूं आप ऐसे सोते मिलते, तो आपके भगत जो हैं वो सोचेंगे कि भाई हमारे भगवान सोते रहते तो हमको भी सोते रहना चाहिए। हे भगवान, आप भी थोड़ी तपस्या करो तो आपके भगत भी थोड़ी तपस्या करेंगे। तो भगवान ने कहा, ठीक है हम तपस्या करेंगे। तो भगवान तपस्या करने के लिए वैकुंठ छोड़ करके और केदार खंड में आए। केदार खंड बोले तो ये जो बद्रीनाथ जी है ना, आप बात इधर उधर मत करना, ये बद्रीनाथ जी अपने घर के प्लॉट पर नहीं है, ये प्लॉट तो शंकर भगवान का है। हाँ, ये जगह शंकर भगवान की है, मंदिर बद्रीनाथ भगवान का, बाकी ये केदारनाथ भगवान का ही प्लॉट है। तो भगवान को, श्री भगवान को, नारायण प्रभु को वो केदार खंड का वो जो क्षेत्र है वो पसंद आ गया, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ थे तो वो पसंद आ गया।
सॉरी तो भगवान को वो पसंद आ गया पक्का है। नहीं मेरे पास है इसमें होगा देखो बोल हाँ मिल गया मिल गया। गला सूखता तब खांसी आती है ऐसे नहीं आती। आप लोग बुरा मत मानना भाई हो तो अब मैं बीच बीच में लेता रहूंगा प्लीज हो तो भगवान को वो जगह बहुत पसंद आ गई केदार खंड और भगवान वहां पर तपस्या करने लगे। भगवान वहां तपस्या करने लगे अब इधर वैकुंठ खाली हो गया। इधर वैकुंठ खाली हो गया तो वैकुंठ खाली हो गया तो अब लक्ष्मी जी का मन नहीं लगता वहां। अब लक्ष्मी जी का वहां मन नहीं लगता तो फिर लक्ष्मी जी ने नारद जी को पूछा भगवान का है अजी भगवान की सूचना लक्ष्मी जी से भी ज्यादा नारद जी को रहती थी। और सच बात भी है कई बार किसी पुरुष के बारे में उसकी पत्नी को जितनी जानकारी नहीं होती उससे ज्यादा उसके मित्र को होती है। तो श्री नारद जी को सब जानकारी इसलिए श्री लक्ष्मी जी ने नारद जी को पूछा कि मेरे प्रभु कहाँ है। नारद जी ने कहा आपको मालूम नहीं। बोले नहीं अरे वो तो केदार खंड में जाके तपस्या कर रहे हैं। केदार खंड में जाके तपस्या कर रहे हैं क्यों तपस्या कर रहे हैं? बोले जी दिन भर उनके विश्राम की ही मुद्रा रहती है तो मैंने कहा कि कुछ तप मुद्रा करिए तो फिर वो तप मुद्रा करके वहां तपस्या कर रहे हैं। अब लक्ष्मी जी ने सोचा कि जब मेरे स्वामी वहां तप मुद्रा कर रहे हैं तो फिर मुझे यहां क्यों रहना, मुझे भी वहां जाकर उनके तप में सहयोग करना चाहिए। तो वहां जाकर के लक्ष्मी जी ने क्या देखा, भगवान तपस्या कर रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, बर्फ गिर रही है, बहुत ऐसा सब था। तो लक्ष्मी जी वहां जाकर के पेड़ बन गई। कौन सा पेड़ बन गई? बेर का पेड़। बेर का पेड़ बन गई लक्ष्मी जी। अब बर्फ गिरे तो उसके ऊपर गिरे, हवा आवे तो उसके ऊपर, सब चीजों को वो झेलने लगी। अब जो भगवान की तपस्या पूरी हुई तो तपस्या पूरी होने पर भगवान ने नेत्र खोले और नेत्र खोलकर भगवान ने देखा कि भाई इतने भयंकर बर्फ में सब में मेरे ऊपर एक भी बर्फ नहीं आया, क्या कारण है? तो देखे तो ऊपर तो बेर का पेड़ है। भगवान बोले कि जिस समय मैं यहां तपस्या करने के लिए बैठा था उस समय तो यहां कोई पेड़ नहीं था, अब ये अचानक पेड़ कहां से आ गया? तो भगवान ने कहा भाई ये पेड़ कौन है? तो उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट होकर के आई। अरे देवी तुम? बोले और नहीं तो क्या, आप अकेला छोड़ के आ गए?
ठाकुर जी बोले, वाह देवी, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, बोलो कुछ मांग लो, वरदान मांग लो। तो श्री लक्ष्मी जी ने वरदान मांगा कि मैं यहाँ पेड़ बनकर के रही हूँ और बेर का पेड़, बेर के पेड़, बेर के पेड़ को संस्कृत में बदरी कहते हैं, बदरी। तो लक्ष्मी जी ने कहा, जैसे वैकुंठ में आप लक्ष्मीनाथ बन के रहते हो, ऐसे यहाँ पर अब आपको बदरीनाथ बन करके रहना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने स्वीकार किया, तो तब से भगवान वहां बद्रीनाथ कहे जाते हैं। तो ऐसे बद्री का आश्रम में श्री नारद जी आए। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभित निकट गंगा भगवान के उस पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में श्री नारद जी आए। वहां पर नारद जी आए, कृपानाथ वहां व्यास जी का आश्रम था, श्री वेदव व्यास जी महाराज जो भागवत के रचयिता हैं। नारद जी उनसे मिले, लेकिन वे तो बहुत उदास थे, चिंतित थे। उनको उदास और चिंतित देख करके श्री नारद जी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों उदास हैं, क्यों चिंतित है, आपको क्या हुआ, आपकी उदासी का क्या कारण है। तब श्री व्यास जी महाराज बोले, हे नारद जी महाराज, क्या बताऊं, कलयुग आ रहा है और मैंने कलयुग के जीवों को बहुसागर पार उतारने के लिए कितने पुराण बनाए, कितने उपनिषद बनाए, क्या क्या नहीं बनाए, सोचा इनका आश्रय करके सब पार हो जाएंगे बहुसागर। लेकिन मैं देखता हूं कि इन लोगों की उसमें ध्यान ही नहीं है। कोई ग्रंथों में साधना नहीं ढूंढ रहा, कोई ग्रंथों में तपस्या नहीं ढूंढ रहा, भजन नहीं ढूंढ रहा, कल्याण नहीं ढूंढ रहा। सब ग्रंथों में क्या ढूंढ रहे हैं, धन प्राप्ति का मंत्र, सुंदरता प्राप्ति का मंत्र, आरोग्य प्राप्ति का मंत्र। अरे कल्याण की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है, कैसे कल्याण होगा, मुझे इस बात की चिंता हो रही है। ये कलयुग के लोग भवसागर पार कैसे होंगे, मुझे इस बात की फिक्र हो रही है। नारद जी ने कहा, हे महाराज, यदि आपको सचमुच कलयुग के लोगों की इतनी फिक्र हो रही है, इनको भवसागर से पार करने की इतनी फिक्र हो रही है, तो आप कृपा करके कुछ ऐसी रचना करिए, कुछ ऐसा गान करिए, कुछ ऐसा वर्णन करिए, कुछ ऐसा लिखिए जिसमें भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हो, भगवान के चरित्र हो, जिनको लोग सुनकर के भगवान से प्रेम करें। और पुण्य के बल पर नहीं, प्रेम के बल पर भवसागर पार हो जाए। देखिए, पुण्य से भी भवसागर पार हो सकते हैं, लेकिन प्रेम से भी भवसागर पार हो सकते हैं। हमारे नरसिंह मेहता ने तो कोई धर्मशाला नहीं बनाई, उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाया,
श्री तुकाराम जी ने तो कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई धर्मशाला नहीं बनाई, उन्होंने कोई लाखों करोड़ों रुपयों का दान नहीं दिया, तो वो पुण्य के बल पर भगवान तक नहीं पहुंचे, वो बोलिए ना प्रेम के बल पर भगवान तक पहुंचे। तो नारद जी कहते हैं कि सबको भगवान की कथा सुनने को मिले और भगवान से प्रेम हो जाए और प्रेम के बल पर सब भवसागर पार हो जाए। वाह। तो व्यास जी कहते हैं बात तो आपने अच्छी बताई लेकिन इसका कोई प्रमाण है कि कथा से प्रेम हो जाएगा, कथा सुनने से भगवान से प्रेम हो जाएगा, इस बात का कोई प्रमाण है? तो हमारे श्री नारद जी महाराज कहते हैं मैं खुद प्रमाण हूं, मैं खुद प्रमाण हूं, मुझे भी भगवान से प्रेम हुआ तो ऐसे ही हुआ जी, भगवान की कथा सुनकर के ही मुझे भगवान से प्रेम हुआ, कथा सुनकर के ही भगवान से प्रेम हुआ। नारद जी महाराज कहते हैं मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। नारद जी सुनाते हैं मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण दासी का पुत्र था। ब्राह्मण दासी बोले तो मेरी मां ब्राह्मणी थी लेकिन ब्राह्मणों के यहां पर रसोई बनाने का काम करती थी। किसी ब्राह्मण के यहां कोई ऐसा मौका होता था तो वो रसोई बनाने का काम करती थी। आज भी अनेक घरों में कई ब्राह्मण माताजी आती हैं रसोई बनाने के लिए। मैं तो एक ऐसी बात कह रहा हूं भाइयों, कोई वैसा नहीं समझिएगा, रसोई बनाने के लिए ब्राह्मण माताजी ही क्यों, और भी किसी जाति की कोई माताजी चल सकती हैं, पर अधिकतर घरों में लोग कहते हैं रसोई बनाने के लिए कोई ब्राह्मण माताजी हो तो ही अच्छा है। तो यहां दो बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि यदि आपके घर कोई ब्राह्मण माताजी रसोई बनाने के लिए आए तो पहली बात तो ये कि आप उनको नौकरानी न समझें, उनको नौकरानी न समझें, पहली बात ये। आपके हृदय में ये भाव होना चाहिए ठीक है वो आपके कहने पर और आप जो उनको पारिश्रमिक दोगे उस पारिश्रमिक पर आपके यहाँ रसोई बनाने आ रही है इसका मतलब वो नौकरानी नहीं हो गई हैं, उनके स्वरूप में जो ब्राह्मणपना है वो तो है ही है, इसलिए उनको नौकरानी न समझें, अपने मन में ऐसा सोचें कि साक्षात अन्नपूर्णा आपको रसोई बनाने के लिए आ रही है, ऐसा भाव हृदय में रखना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, ब्राह्मण माताजी क्यों, उसके पीछे का कारण होता है कि यह मन में एक निश्चिंतता होती है कि रसोई बनाने वाली यदि कोई ब्राह्मणी है तो वो निश्चित रूप से आचार विचार का ध्यान रखते हुए, पवित्रता का ध्यान रखते हुए रसोई बनाएंगी। हमारे घर में कभी कोई आचार विचार वाले विप्र आ जाए और हम कहें भोजन करिए तो वो मना कर देते हम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन कहें कि नहीं महाराज हमारे यहाँ ब्राह्मणी है उन्होंने ही बनाया है तो कहते अच्छा ठीक है। क्यों? क्योंकि यह एक निश्चिंतता है कि यदि भोजन कोई ब्राह्मणी बना रही है तो वो आचार विचार का पवित्रता का ध्यान रखते हुए भोजन बनाएंगे। और रसोई घर में आचार विचार पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। मैं तो हर कथा में बोलता हूँ, पिछली बार भी बोला, इससे पहले भी बोला, बोलता ही रहता हूँ, माताएं बहनें कृपा करें रसोई घर में जो जूता चप्पल लेकर के जाना और जूता चप्पल पहनकर रसोई बनाना इसको आप लोग बंद कर दीजिए। इसके कारण पूरे घर में जूते घूमते रहते, पूरे घर में जूते ही बिखरे रहते हैं।
शयन कक्ष में भी जूते, बैठक कक्ष में भी जूते, रसोई घर में भी जूते, फिर अब बची कौन सी जगह है बिना जूतों की, बताओ। एक खाली भगवान का वो कक्ष मेरे हिसाब से शायद बचा होगा, बाकी पूरे घर में जूते हो गए। फिर हमारा घर मंदिर कहां रहा अगर हमारे पूरे घर में ऐसे जूते घूमेंगे तो। हमारा घर मंदिर कहां रहा, फिर तो हमारा घर होटल जैसा हो गया। होटल में छूट होती, आप चाहो जहां जूते लेके जाओ। इसलिए कृपानाथ ये मेहरबानी करिए, रसोई घर में जूता चप्पल न ले जाए। रसोई घर को अन्नपूर्णा माता का मंदिर कहते हैं, और मंदिर में तो जूते नहीं चलते हैं। और कोई कहे महाराज ये तो घर के ही जे हैं, ये तो घर, अरे घर के हैं तो क्या हुआ, जूते तो जूते ही हैं, सब घर के ही है, मंदिर से चुरा के थोड़ी लाए। लेकिन घर का स्वरूप घर जैसा होना चाहिए। कुछ तो फर्क लगे भैया घर में न होटल में है? कुछ तो फर्क लगे, बिल्कुल वैसे ही खाना भी वैसे ही बैठ के उसी प्रकार से। पहले घरों में धातु के पात्र में भोजन करते थे, आजकल घरों में लोग धातु के पात्रों में भी भोजन नहीं करते, वो सफेद रंग का पता नहीं क्या आता है कांच जैसा, उसमें भोजन करते हैं। खाते समय पूरे टन टक 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 आवाज आती रहती है, क्या हो गया पता नहीं, ऐसा न करें कृपानाथ। तो नारद जी महाराज कहते मेरी माँ ब्राह्मणी थी, वो रसोई बनाने का काम करती थी। गांव में कोई भी ऐसा प्रसंग होता तो उसको बुलाया जाता था। तो एक बार मेरे गांव में कुछ महात्मा आए, कुछ संत आए, तो गांव में कुछ संत आए तो संतों ने, संतों की सेवा के लिए मेरी माँ को बुलाया गया कि इनको रसोई बनाकर आपको देना है। तो मेरी माँ के मैं एक अकेला ही था, नारद जी कहते हैं, तो मैं मेरी माँ के साथ साथ चला जाता वहां, और मेरी माँ के साथ साथ जाकर वहां मैं संतों को देखता रहता। संत लोग भजन कीर्तन करते, मेरी माँ भोजन करके उनको परोसती, उसके बाद जो भोजन बच जाता वो महात्मा लोग हमको दे देते, मैं खा लेता। नारद जी महाराज कहते हैं उन महात्माओं के दिए हुए प्रसाद को पाने से और उन महात्माओं के श्रीमुख से सत्संग सुनने से धीरे धीरे मेरे को भगवान प्यारे लगने लगे। आहा, धीरे धीरे मुझे भगवान प्यारे लगने लगे। मैंने जो आपको कथा के प्रारंभ में ही बात कही थी ना कि कथा से भगवान प्यारे लगते हैं, कथा सुनने से भगवान से प्रेम होता है। नारद जी को भी ऐसे ही प्रेम हुआ, उसका ये प्रमाण है। नारद जी खुद बता रहे हैं मैंने महात्माओं के मुख से कथा सुनी और कथा सुनने से मुझे भगवान से प्रेम हो गया, कथा सुनने से मुझे भगवान से प्रेम हो गया। करुणा निधान, कथा में रुचि ऐसे ही बढ़ती है। महात्माओं की सेवा करी और महात्माओं की सेवा से कथा में रुचि बढ़ गई, भगवान से प्रेम हो गया। संसार में और किसी की आप सेवा करेंगे तो वो आपको उसका कुछ फल दे करके मुक्त हो जाएंगे।
कोई आपको आभूषण दे देंगे, एक दादी जी देखे हमने, उनके गले में 4-5 लड़ों की सोने की चेन पहनी हुई, ऐसी मोटी सी। तो हमने पूछा, ऐसे ही मजाक में पूछा मैं कि दादी सा आखी ने देओ। तो दादी सा जो थी, वो बाई जो थी, वो अपनी 4-5 बहुओं को देख के बोली जी की मारी सेवा करी उन्हें देऊं। इसका मतलब यदि कोई उन दादी जी की सेवा करेंगी तो उनको उसका कोई फल ऊपर नहीं मिलने वाला है, दादी जी यही निपटा देंगी। ये ले भाई, ये तूने सेवा करी, ये तू रख, तुरंत दान मां कल्याण। तो संसार में आप किसी की भी सेवा करो, ये दादी जी का तो मैंने ऐसे उदाहरण दे दिया, लेकिन आप किसी की भी सेवा करो, वो हाथों हाथ उसके बदले में कुछ करके आपको, और वो उऋण हो जाएगा। आपके घर में साफ सफाई की सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति आता होगा तो आप उसको कुछ पगार दे देंगे, तो आप उऋण हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई महात्माओं की सेवा करे कृपानाथ, तो महात्मा लोग, अब आपने किसी महात्मा की सेवा करी तो वो क्या आपको 500 रुपए देंगे? क्या वो आपको कोई सोने चांदी का आभूषण देंगे? वो शोभा भी नहीं, अगर वो दें तो उसमें शोभा भी नहीं, इसलिए वो क्या करेंगे? इसलिए ध्यान दीजिएगा, संसार में कोई सेवा का फल देने का जब सोचता है तो वस्तु आभूषण में फल देख करके निवृत्त हो जाता है, लेकिन हम जब किसी महात्मा की सेवा करते हैं तो वो हमें भगवान से जोड़ करके निवृत्त होते हैं, भगवान से जोड़ कर। तो नारद जी ने कहा मुझे भी उन महात्माओं ने जो है भगवान से जोड़ दिया, और निश्चित मानिए जीवन में जब कभी भी किसी संत का अनुग्रह मिले, जब भी जीवन में कोई संत आए तो समझ लीजिए भगवान से जुड़ने का मौका आ गया, अब हम भगवान से जुड़ने वाले हैं, अब हम भगवान से जुड़ने वाले हैं। इसलिए एक भजन गाते रहते हैं हम लोग, ओ जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ अब हरि से मिलन होगा। भजन तो आता नहीं है आपको, तो फिर रहने देते हैं, जब आता है गाएं, फिर भी गाएं। हो जब संत मिलन हो जाए, समझ लेना अब
सब में तो नजर हरिया किसी संत का आना इस बात का निश्चित संकेत होता है कि अब हमारा संबंध भगवान से जुड़ने वाला है। अजी संबंध तो हमारा क्या भगवान के साथ नहीं है क्या? संबंध हमारा भगवान के साथ नहीं है क्या? अरे भाई, आपकी बेटी का विवाह आपके शहर में ही किसी परिवार के युवक के साथ हुआ,
तो वो भी रहते यहां थे, आप भी रहते यहां थे, लेकिन कोई बीच में आया तब ही तो संबंध जुड़ा, नहीं तो सिर्फ रहने से आप संबंधी थोड़ी माने जाते थे। ऐसे ही भगवान भी यही है हमारे साथ और हम भी यही है भगवान के साथ, लेकिन बीच में कोई संत आता है तब वो रिश्ता बना जाता है। आप भी भाग्यनगर में रहते थे और आपके समधी भी भाग्यनगर में रहते थे, लेकिन आप समधी नहीं कहे जाते थे, कोई बीच में आ गया उसने मिला दिया तो आप समधी कहे जाते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार कृपानाथ तो ऐसे भगवान से जोड़ देते। जीवन में कोई भी संत आएगा वो भगवान से जोड़ेगा, क्योंकि कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, संत की कोई संस्था नहीं होती है, संत की कोई संस्था नहीं होती कि जिससे उसको लोभ हो कि मैं उससे जोड़ूं कि उससे जोड़ूं कि उससे जोड़ूं। संत की कोई संस्था नहीं होती है, उसके तो श्री ठाकुर जी होते हैं और वो श्री ठाकुर जी से ही जोड़ने का भाव रखते हैं। तो नारद जी कहते उन महात्माओं ने कृपा करके मुझे भगवान से जोड़ दिया, और वो महात्मा तो कुछ दिन सत्संग सुनाकर चले गए लेकिन मेरे मन को भगवान में लगा गए। अब मैं दिन रात बस भगवान को याद करता, उनको पुकारता, ऐसे चलता। जंगल में बैठकर मैंने बहुत समय तक तपस्या करी, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे सिर्फ इतने से दर्शन दिए, एक पलक झपकती है ना इतने से। एक पलक झपकती है, इतनी देर के मुझे दर्शन भगवान ने दिए, मेरा मन व्याकुल हो गया। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, अभी तुम्हारा योग पूरा पका नहीं है, अभी तुम्हारा तप, तुम्हारा भजन पूरा पका नहीं, अभी कुछ कामनाएं, कुछ वासनाएं बाकी है, और जब तक थोड़ी बहुत भी कामनाएं वासनाएं बाकी हैं, मेरा दर्शन हो नहीं सकता। इसलिए तुम थोड़ा और भजन करो, फिर मैं तुमको अपने धाम में बुलाऊंगा। नारद जी कहते उसके बाद मेरी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया और मैं भगवान को याद करते हुए रहने लगा, और एक दिन भगवान ने मुझे अपने धाम बुला लिया, अपना पार्षद बना लिया। तो हे व्यास जी महाराज, मेरे जैसे के ऊपर भगवान इतनी कृपा कर सकते हैं तो फिर आपके ऊपर क्यों नहीं करेंगे? आप ऐसा कुछ करो। व्यास जी ने कहा ऐसा कुछ करने के लिए कोई आधार? तब श्री नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दी, इसका विस्तार करो। तब श्री व्यास जी जो है चार श्लोकों का विस्तार करने के कार्य में लगे, और उन्होंने उसका विस्तार करके चार श्लोकों से 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत महापुराण बना दिया जी। अब व्यास जी ने बना तो दिया, लेकिन अब व्यास जी सोचने लगे कि इसको अब बांटेगा कौन? घर में जब कोई चीज अच्छी बनती है तो हमको कितने लोगों की याद आती है। पकौड़ी तो हमारी बेटी को बहुत पसंद है, आज वो होती खाती कितना अच्छा होता। अरे हलवा तो हमारे जवाई साहब को बहुत पसंद है, वो आ जाए तो बहुत अच्छा। अरे गुलाब जामुन तो हमारे
मित्र को बहुत पसंद है, वो आ जाए तो अच्छा। जैसे घर में कुछ बढ़िया चीज तैयार होने पर कितने लोग याद आते हैं हमको, ऐसे ही व्यास जी को भी सदग्रंथ तैयार होने पर स्मरण होने लगा कि इस सदग्रंथ को कौन वितरित करेगा, इस सदग्रंथ के भावों को कौन बांटेगा, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा भाई, व्यास जी सोच रहे। और उसी समय व्यास जी चिंता कर रहे भागवत का प्रचार प्रसार कौन करे। और कुछ दिनों में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? श्री शंकर भगवान पार्वती जी को किसी एकांत स्थान पर कथा सुनाते हैं। किसी एकांत स्थान पर कथा सुनाते हैं, प्रभो भगवान उमा महेश्वर का दाम्पत्य ऐसा ही है। ध्यान से सुनिएगा, पति जब पत्नी पर प्रसन्न होता है तो पत्नी को अपने रहस्य बताता है, एक प्लॉट वहां लेके रख रखा है मैंने, किसी को पता नहीं है, ऐसे ऐसे आभूषण है वो वहां रखे हैं, तू किसी को पता नहीं, कुछ और भी ऐसे रहस्य। तो पति जब पत्नी पे प्रसन्न होता है तो अपने कुछ व्यापारिक रहस्यों को बताता है, कुछ अपने संपत्ति के रहस्य बताता है। पत्नी जब पति पर प्रसन्न रहती है तो फिर वो अपने कोई रहस्य बात बताती है, ऐसा मैं सोचता हूं, फिर मुझे पता नहीं क्या बताते क्या नहीं बताते। लेकिन भगवान उमा महेश्वर का दाम्पत्य ऐसा है, शिव पार्वती का दाम्पत्य ऐसा है कि शंकर भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो पार्वती जी को भक्ति का रहस्य बताते हैं, भक्ति का रहस्य बताते हैं। तो करुणा निधान, भक्ति का रहस्य बताने के लिए शंकर भगवान पार्वती जी को एकांत में लाए, ये सबके सामने कहने जैसा नहीं है। और एकांत में श्री शंकर भगवान पार्वती जी को भक्ति का रहस्य सुनाते हैं। वहीं पर एक शुक, वहीं पर एक शुक पार्वती जी के पीछे बैठ करके और भक्ति का रहस्य सुनने लगा। पार्वती जी हां हां करती हैं कथा सुनते समय और शुक कथा सुनता है। अब भैया कथा सुनाते सुनाते शंकर भगवान को बहुत समय हो गया, और बहुत समय बाद जब शंकर भगवान ने कथा सुनाते सुनाते शंकर भगवान भावमग्न हो गए, उनके नेत्र बंद हो गए, वो नेत्र बंद करके कथा कहने लगे। अब जब वक्ता नेत्र बंद करके कथा कहे तो सुनने वालों के भी हो ही जाते हैं, नहीं तो बहुत से लोग इस संकोच के मारे सजग रहते हैं कि महाराज देख रहे हैं भाई। हमारे उधर सत्संग भवन में एक महाराज तो ऐसे आए थे भाई कि महाराज जी वो गेंदे के फूल होते हैं ना वो लेके बैठते थे, और कथा में कोई भी सोता तो व्यास पीठ से ही फूल उठा के उसके ऊपर दे मारते थे।
हम दो चार दोस्त बैठते थे और सोचते थे कि महाराज का शॉट कितना क्लियर है। अगल बगल किसी को नहीं लगता, जो सो रहे हैं सीधा उन्हीं को ही लगता। बहुत बड़ा हॉल भी है नहीं, छोटा ही हॉल है। और दोपहर की कथा में माताएं आती थी ज्यादा करके, और माताएं बेचारी दिन भर की तो थकी हुई कामकाज से, दोपहर को सोने का समय होता है, अब कथा हो रही है, मोहल्ले में न जाएं तो अड़ोसी पड़ोसन के लोग कथा में नहीं आओ कथा में नहीं आओ, बेचारी आती है और फिर वो थकान के कारण फिर वहां नींद आ ही जाती है, क्या करें। ओ महाराज धनाधन। और फिर जैसे ही वो बगल वाली सो रही होती है, महाराज जैसे ही गेंदे का फूल उठाते के बगल वाले के, ए पप्पू भाई आयो। और वो धच करके लगता है। बहुत सारे लोग तो मेरे जैसे खाली यही देखने जाते थे कि महाराज कैसे मारते क्या करते। और माताओं में एक भय बैठ गया कि अरे सोए नहीं कि महाराज फूल मारेंगे, सोए नहीं मारा फूल मारेंगे। तो वक्ता के नेत्र बंद हो जाएं तो फिर श्रोताओं के स्वाभाविक हो जाते हैं, लेकिन यहां बात अलग थी। यहां सुनाने वाले भी भाव मग्न हो गए तो सुनने वाली पार्वती जी भी भाव मग्न हो गई। लेकिन पार्वती जी के पीछे बैठकर कथा सुनने वाले शुक ने सोचा कहीं इस भाव दशा में कथा रुक न जाए, कहीं इस भाव दशा में कथा रुक न जाए, क्योंकि कथा रुक गई तो हम वंचित हो जाएंगे। अब मेरे को तो कोई ज्यादा भाव आते नहीं है, लेकिन समझो मुझे कोई भाव आ जाए, अभी चार बजे भाव आ जाए और 6 बजे तक भाव ही रहे, और भाव से आंख खुले और मैं कहूँ अल्लो 6 बज गए, तो वह आज तो विराम करते कल कथा करेंगे, तो आपके तो एक दिन गया। तो जो आज की कथा होनी थी वो तो नहीं हो मिलेगी। तो शुक ने भी सोचा कि कहीं इस भाव दशा में कथा न रह जाए, इसलिए सुखदेव जी, वो शुक जो था वो पार्वती जी की ही ध्वनि में हां हां शब्द बोलने लगा। और शुक को तो अभ्यास होता है ना रिपीट करने का, बोल देता है जैसा आप बोलेंगे वैसा वो पीछे बोल दे, हालांकि थोड़ा स्वर उसका अपना रहता है, तीखा सा रहता है थोड़ा, लोग बुलवाते उसको ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन है ना वो बोलते ऐसे, कहीं 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 महात्माओं के पास भी ऐसे तोता है तो फिर वो मंत्र बोलते राम 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 जय कृष्णा जय कृष्णा ऐसे बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो सुखदेव जी जो थे, वो शुक जो था, वो पार्वती जी की ही ध्वनि में हां हां बोलने लगा, जिससे कथा चलती रही। और कथा का प्रसंग पूरा होने पर शंकर भगवान के नेत्र खुले, पर पार्वती जी के नेत्र तो बंद ही थे, वो तो अभी भी भाव में ही थी। तो शंकर भगवान कहने लगे कि जब ये भाव में है तो फिर कथा कौन सुन रहा था, कौन है जिसने छुप करके ये कथा सुनी है। तब फिर वो सुख पंख फड़फड़ा के प्रणाम करके वहां से चला। शंकर भगवान क्रोध में आए, छोड़ूंगा नहीं इसको, छुप के कथा सुनी। देखो भाइयों, पहले कथा कितनी दुर्लभ थी, सुनना कितना कठिन था।
शंकर भगवान बोले इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने छुपकर कथा सुनी। जब थोड़ी हलचल हुई तो पार्वती जी के नेत्र खुले। सरकार क्या हो गया? बोले क्या हो गया, क्या तू तो भाव में चली गई और तेरे पीछे एक शुक ने कथा सुनी, तो अब आप क्या कर रहे हैं? बोले अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समाप्त तो कर दूंगा। तब पार्वती जी ने कहा अब आप उसका क्या बिगाड़ेंगे? अजी जिसने आपकी कथा सुन ली, जिसने आपकी कथा सुन ली, अब वो तो आपका आत्मज हो गया, आपका वात्सल्य भाजन हो गया। आप कथा में देखना अभी, अब तो महाराज जी बहुत चीजें बदल सी गई हैं, लेकिन पहले जब मंदिरों में कथा होती थी तो महाराज ही अपने हाथ से प्रसाद बांटते थे, अभी भी बांटते ही हैं गांव आदि में। तो जो बहुत अच्छे से कथा सुनता हुआ उनको दिखता था उसको थोड़ा ज्यादा देते, उसको थोड़ा ज्यादा देते, क्यों? ये कथा अच्छे से सुनता। वात्सल्य है, जो ध्यान से कथा सुनते, प्रेम से कथा सुनते, उनके ऊपर वक्ता का वात्सल्य आता है महाराज। फिर वो जो, अब कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ध्यान से कथा सुनते, प्रेम से कथा सुनते, वो किसी और जगह कथा में आ जाए तो वक्ता आयोजकों को सूचना देता है कि भैया इनको थोड़ा ध्यान से रखना, इनके रुकने की अच्छी व्यवस्था करना, इनके भोजन आदि का ध्यान रखना। क्यों रखना जी? ऐसे ये कौन VIP हैं? ऐसे कौन से पद पर बैठे हैं? ऐसा क्या है, कोई पद आदि पर नहीं बैठे हैं, लेकिन ये कथा बहुत प्रेम से सुनते, ध्यान से सुनते, इसलिए वक्ता का वात्सल्य, इसलिए वक्ता उनकी चिंता करता है। तो पार्वती जी कहती कि अब जिसने जिसने आपकी कथा को इतना प्यार से सुना है वो अब आपका वात्सल्य भाजन है, अब आप ये सब चीजें मत करो, अब आप शांति से विराजो। और वो जो शुक था वो उड़ते उड़ते व्यास जी की पत्नी उबासी ले रही थी तो वो उनके मुख मार्ग से जाके भीतर बैठ गया। इसलिए उबासी जब भी आए तब ऐसे करना चाहिए या ऐसे ऐसे, खैर ये तो कैसी बात है। लेकिन वो शुक व्यास जी की पत्नी के गर्भस्थ हो गया, कई वर्षों तक वो अपनी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में ही रहा। अब व्यास जी की पत्नी को कष्ट होने लगा, तब व्यास जी ने गर्भस्थ उस शिशु को कहा कि अब तुम बाहर आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है। तो उस शिशु ने कहा कि मैं बाहर तो आ जाऊं, मेरी माँ को कष्ट हो रहा है, लेकिन बाहर आने पर मुझे कष्ट होगा उसका क्या है? तो व्यास जी ने कहा रे पगले, माँ के पेट में ज्यादा कष्ट है, सिर नीचे टांग ऊपर किए लटकना, और फिर माँ के पेट में कैसे कीड़े काटते हैं, जलन होती है, वो सब होता है, इतनी समस्याएं हैं, बाहर आ जाओ तुम। तो शुक ने कहा कि भले ही माँ के गर्भ में मुझे ये सारे कष्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे भगवान की याद बनी हुई है, और भगवान की याद बनी हुई है यही मेरा सबसे बड़ा सुख है, भगवान की स्मृति मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है, इसलिए मैं यहां आराम से हूं। व्यास जी ने कहा नहीं प्यारे, तू बाहर आ जा। तो भगवान नारायण से प्रार्थना करी, भगवान नारायण ने आकर के गर्भस्थ श्री शुक को आश्वासन दिया कि तुम बाहर आ जाओ, बाहर आने पर तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। तब वो शुक जो है बाहर आने को तैयार हुए, और जैसे ही बाहर आए, आते ही वो तो सीधे जंगल को चले गए जी,
और व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं आवाज देते हुए, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहका तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि पीछे पीछे गए व्यास जी, बेटा रुको बेटा रुको, लेकिन रुके ही नहीं सुखदेव जी। अभी मैंने इनसे बातचीत ही नहीं करी, उसमें इनकी इतनी ममता है, बेटा बेटा करके पीछे आ रहे हैं। रुकूंगा, बातचीत करूंगा तो और ममता बढ़ेगी, और ममता बढ़ने के बाद दोनों के लिए मुश्किल होगा। और श्री सुखदेव जी महाराज वही जंगल में एक गुफा में जाकर के और समाधिस्थ हो गए। अब इधर व्यास जी सोचने लगे, भाई सोचा था बेटा होगा, भागवत का प्रचार प्रसार करेगा, लेकिन ये तो जंगल में जाके बैठ गए, अब क्या करो। अब क्या करो। तो व्यास जी ने क्या किया, व्यास जी ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को वो भागवत के श्लोक सिखा दिए। छोटे छोटे बच्चों को भागवत के श्लोक सिखा दिए। और छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे होते, आपको पता, उनको नहीं पता होता कौन सा कहाँ गाना होता है, कौन सा कहाँ नहीं गाना होता। उनको तो जो सुनने को मिल जाए वही उनके लिए तो बहुत बढ़िया गायन हो जाता है। तो कोई शव यात्रा निकल रही थी, राम राम सत्य है सत्य से मगत ऐसे बोलते हुए निकल रहे थे। बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, उनको लगा ये भी कोई बहुत बढ़िया गाना शादी में गाने का। और बच्चों का अपना ज्ञान अलग होता है। हाँ, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पूछा, रे ये क्या निकल रहा है रे, बोले बारात है। बोले लेकिन बारात में, बारात कल तो देखी थी, कल तो वो घोड़ी के ऊपर बैठे थे। बोले वो कल बैठे हुए जा रहे थे, ये लेटे हुए जा रहे, इसको नींद ज्यादा आ रही इसलिए सोते हुए जा रहे। अच्छा अच्छा, और ये गा क्या रहे हैं। बोले बैठा हुए दूल्हे के आगे वो गाते हैं, आज मेरे यार की शादी है, लेटे हुए दूल्हे के आगे ये गाते हैं राम राम सत्य। और बच्चों ने अपनी धुन बना ली, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, राम नाम सत्य है, और घर में कूद कूद के उछल उछल के गाने लगे, और माताएं लगी डंडा लेके पीछे, ये क्या घर में तुम कर रहे हो, ये कहां से सीख के आए हो। बोले चुन्नू ने बोला ये शादी का गीत है। बच्चों का एक अपना ही वो होता है। तो व्यास जी महाराज ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को सिखा दिए भागवत के श्लोक, और वो छोटे छोटे शिष्य जो हैं वो कहीं भी जाएं तो यही गाएं। तो व्यास जी के कुछ शिष्य गाय चरा रहे थे, तो गाय चराते चराते अचानक एक गाय जो है एक गुफा में चली गई। गाय एक गुफा में चली गई।
गाय गुफा में चली गई तो भैया उन शिष्यों ने सोचा, कि अब गुफा में जाएं और फिर गाय को बाहर लाएं, इसके बजाय हम क्यों ना गुफा के बाहर बैठकर श्लोक को गाएं। क्योंकि आप लोग जानते हैं गो माता को कोई भी चीज का अभ्यास बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी अभ्यास होता है। गाय को चराने वाला जो ग्वालिया होता है वो गाय को एक बार जंगल में ले जाता है और उसको लेकर के आता है, अगले दिन से गाय अपने आप उस रास्ते पर चली जाती है, उस रास्ते पर आ जाती है, और खास बात क्या है, उसी टाइम पर चली जाएगी और उसी टाइम पर लौट आएगी। हमारे बुआ जी के घर में गाय अब तो नहीं है, पहले थी, तो 4 बजते ही बुआ जी घोषणा कर देती, अब हमारे गाय आने वाली है। तो हम पूछते कि भाई क्या गाय ने घड़ी बांध रखी है, 4 बजते ही आ जाएंगी, ऊपर नीचे भी तो हो सकती। बोले नहीं, 4 बजते ही आ जाएगी, देख लीजिए तू अब। और देखे तो सच में धड़ धड़ करते हुए गौ माताएं आ जाती 4 बजते ही। इतना अभ्यास गौ माता का, मनुष्यों से भी ज्यादा सेंस जिनमें है वो गैया है। मनुष्य से भी ज्यादा जो संवेदनशील है वो गैया है। चारा चरने की भी गौ माता की पद्धति बड़ी अनूठी है, ध्यान से सुनिएगा। और कोई जानवर चारा चरते हैं ना तो वो उस पौधे को जड़ से खत्म कर देते, जड़ से ही खा जाते, और गौ माता जब खाती है तो उस पौधे पर एक बार मुंह लगाएगी फिर आगे बढ़ जाएगी। ये गौ माता की समझ है। गौ माता सोचती है कि इस पौधे को मैं नष्ट क्यों करूं, मैंने एक बार इसमें ऐसे मुंह लगा लिया, अब मुझे जितना मिलना था उतना मिल गया, अब कल तक ये पौधा और विकसित हो जाएगा और मेरे पीछे भी जो आ रहे हैं उनको भी मिल जाएगा, तो मैं इसको नष्ट क्यों करूं, औरों के लिए भी रखूं। ऐसी समझ गौ माता की होती है। अपन ये समझ नहीं रखते, अपने को तो बस अपना हो जाए, बाकी गए बाढ़ में। इसलिए जैन परंपरा में जो साधु संत भिक्षा ग्रहण करते हैं ना, उस भिक्षा ग्रहण करने की पद्धति का क्या नाम है बताओ भाई, मिलके बोलो, गोचरी। गोचरी मतलब गाय की तरह लेना। और कैसे लेते हैं वो, एक ही घर में ऐसे निकलाओ भाई, खिचड़ी दे दो, रोटी दे दो, ये दे दो, थोड़ा लेंगे एक घर से, फिर दूसरे घर से थोड़ा लेंगे, गाय की तरह लेते हैं। इसलिए उस पद्धति को गोचरी कहते हैं। घोड़ा चरी तो नहीं कहते, बकरी चरी तो नहीं कहते, गोचरी क्यों कहते, क्योंकि ये संस्कार, ये पद्धति गाय से मिली है, इसलिए इसका नाम गोचरी है। मेरे भाई बहन माफ करिएगा, धन देने का काम बाप करता है पर संस्कार देने का काम मां करती है। संस्कार देने का काम मां करती है। आज गोचरी जैसा संस्कार गाय ने दिया है तो ये निश्चित है कि गाय की आकृति पशु जैसी है पर गाय पशु की आकृति में दिखते हुए भी संस्कार देने वाली मां है। दूध से भी क्या क्या नहीं देती गौ माता, तो गौ माता का विषय एक अलग ही है भाई, गौ माता का भाव एक अलग ही है जी। तो कोई भी चीज का अभ्यास गौ माता को बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है। तो वो शिष्यों ने सोचा कि गैया तो गई गुफा में, अब हमें क्या करना चाहिए, तो गाय को बाहर बुलाने के लिए उन लोगों ने भागवत के श्लोक गाना शुरू किए।
एक शिष्य ने श्लोक गाया, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत्वा सह कनक कपिशम वैजयंतिम च माला रंद्रान वेणो रदर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। श्लोक गाए। इस श्लोक में वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम वरहा पीडम नटवर वपु, भगवान का जो श्री अंग है वो नटवर है। नटवर यानी भगवान के अंग अंग में नृत्य भरा हुआ है। वो सीधे सीधे भी चलते हैं तो लगता है नाच ही रहे। नटवर वपु, और नटवर का एक बहुत अच्छा अर्थ भी है, एक बहुत अच्छा नाटक होता है ना नाटक। अब तो नाटक कम हो गए, अब तो घर घर में नाटक है, सब एक दूसरे को कहते रहते। सासू कहे मेरा सर दुख रहा है तो बहू कहती सब नाटक है, और बहू कहे मेरी कमर दुखे तो सासू कहे सब नाटक है। बच्चा कहता है मेरा पेट दुख रहा है तो माँ कहती सब नाटक है। सब आपस में नाटक ही है भैया, असल में संसार पूरा नाटक ही है और है ही क्या। लेकिन वो जो नाटक चलता था, अब पहले ऐसा तो नहीं था कि नाटक की कोई ट्रेलर बताई जाए, सीधा नाटक का प्रस्तुतीकरण ही होता था। तो नाटक के प्रस्तुतीकरण में कभी कभी नाटक सबको अच्छा नहीं लगता, लोग नाटक देखते देखते बोर होने लगते। तो नाटक का जो निर्देशक है वो समझ जाता कि लोग ऊब रहे हैं नाटक से, बोर हो रहे हैं, तो वो नाटक में कुछ ना कुछ बहाना करके एक ऐसे कलाकार की एंट्री कराता जिस कलाकार के मंच पर आते ही सब एकदम फ्रेश हो जाते। फ्रेश बोले तो एकदम सहज, एकदम ओह ऐसे हो जाते, और फिर वो कलाकार थोड़ी देर मंच पर रहता और कुछ अपनी अदा करता, सब लोग एकदम बढ़िया हो जाते, फिर वो चला जाता और उसके बाद नाटक फिर चलता, लोग देखते। उस कलाकार के आने से नाटक की बोरियत खत्म हो जाती। बात आई कि नहीं आई समझ में? तो जिस कलाकार के आते ही नाटक की बोरियत खत्म हो जाती उस कलाकार को नटवर कहते, उस कलाकार को नटवर कहते। लेकिन वो सिर्फ रंगमंच पर होने वाले नाटक की बोरियत को खत्म करता है। मेरे भाई बहन, मैं भी आपको सच में कहता हूं, हमारा जीवन भी एक प्रकार का नाटक ही है, और अगर इस नाटक में बोरियत है तो आप श्री ठाकुर जी को अपने जीवन में लाइए। जैसे वो नटवर रंगमंच के नाटक की बोरियत को मिटाता है, वैसे ये नटवर आपके जीवन के नाटक की बोरियत को समाप्त कर देगा। जिनके जीवन में भगवान है वो कभी बोर नहीं होते, जिनके जीवन में भगवान है वो कभी बोर नहीं होते, जिनका जीवन श्री ठाकुर जी से जुड़ा है वो कभी बोर नहीं होते। जिनका पति अच्छा हो ना, वो माताएं वो बहनें कभी अपने ससुराल में बोर नहीं होती। खैर अब तो बोर होने का कोई प्रश्न ही नहीं, अब तो मोबाइल आ गए, सब आ गए, अपना मनोरंजन कर लो, बातें कर लो, कहां बोर होने का समय। लेकिन फिर भी अगर मन
उठता है मन को वो नहीं होता, पर जिनके पति अच्छे होते हैं तो उनको ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं होता। उनके पति उनका ऐसा ध्यान रखते हैं कि उनका मन उठने ही नहीं देते, मन लगा रहता है उनका। उल्टा पीहर जाने पर वो हड़बड़ी करती है, हमें वापिस जाना वापिस जाना। माँ कहती रही आई तो है, दो दिन तो रुक, नहीं नहीं जाना है जाना है जाना है। तो माँ ऊपर ऊपर से कहती है कि रुक रुक, पर अंदर से खुश होती कि वाह कितना बढ़िया इसको मिला है कि जिसके कारण ये यहाँ रुकना ही नहीं चाहती। कृपानाथ ऐसे ही भगवान है, जिनके जीवन में भगवान आ जाते हैं, जिनका जीवन श्री ठाकुर जी से जुड़ जाता है, उनको कभी जीवन भार नहीं लगता, बोरियत नहीं लगती, उनको कभी नहीं लगता, वो कभी नहीं कहते हे भगवान उठा ले, वो कभी नहीं कहते। उनके पास इतना काम रहता है कि एक जीवन कम पड़ता है। तो भैया वरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण यो करणी कारम, कान में कनेर का फूल डाल रखा है ठाकुर जी ने। विब्रद्वा सह कनक कपिशम वैजयंतिम च मालम, पांच रंग के फूलों की माला ठाकुर जी ने पहन रखी है, श्वेते रक्ते स्तता पीते हरिते नील वर्ण के, ऐसी पंचविध पुष्पों की माला ठाकुर जी ने पहन रखी है। और कंधे पर पीतांबर लहरा रहा है, ग्वाल बाल उनका गुणगान कर रहे हैं। ये सब सुना सुखदेव जी ने अपने कानों से, तो वे सोचने लगे कि मैं ये समाधि लगा करके, ये ध्यान लगा करके जिसको प्राप्त करना चाहता हूं, मैं ध्यान के द्वारा समाधि के द्वारा जिनको प्राप्त करना चाहता हूं, वो तो यहां ऐसे इन बच्चों के होठों पर, इन बच्चों की जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, आपकी जिह्वा पर भगवान नाम आ गया तो समझिए भगवान नाम नहीं आया, आपकी जिह्वा पर भगवान नाम आ गया मतलब साक्षात भगवान का अवतार हो गया। एक महात्मा जी ने अपने मुख से कहा, कौशल्या जी ने एक बार राम को जन्म दिया, देवकी जी ने एक बार कृष्ण को जन्म दिया, लेकिन ये वैष्णव जितनी बार अपने मुंह से राम कृष्ण बोलते उतनी बार राम जन्म होता है, उतनी बार कृष्ण जन्म होता है। तो सुखदेव जी सोचने लगे कि मैं जिस प्रभु को याद कर रहा हूं, जिनकी लीला का रस लेना चाहता हूं, वो तो रस तो इन छोटे छोटे बच्चों की जिह्वा के ऊपर ऐसे नाच रहा है, वो रस तो इन छोटे छोटे बच्चों की जिह्वा पर नाच रहा है, तो इसलिए श्री सुखदेव जी ने अपनी समाधि को तो वहीं विराम दिया, और समाधि को विराम दे करके और वे आ गए बाहर, और उन छोटे छोटे बच्चों को पूछने लगे, अरे बच्चों ये सब तुम कहाँ से सीख करके आए हो, तुमको किसने बताया ये सब? तो उन बच्चों ने कहा, ये सब हमको हमारे गुरुजी ने बताया है, तुमको और आते हैं ऐसे तो सुनाओ मुझे। तो उन्होंने कहा, हमको तो दो चार ही आते, बाकी हमारे गुरुजी को बहुत आते हैं, चलो हमारे गुरुजी के पास चलो। और श्री सुखदेव जी महाराज को लेकर के और वो सब जो है वो व्यास जी के पास आए। सुखदेव जी ने देखा, पिताजी आप, आपके पास इतना सुंदर और आपने मुझे बताया ही नहीं। व्यास जी ने कहा, तू रुकता तो बताता था, तू तो रुका ही नहीं, तू तो सीधा जंगल की दौड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कोई पुराना नहीं हुआ है, बैठ मैं तुझे सुनाता हूँ। और श्री व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दिया जी, और सुखदेव जी ने उसको सुनकर कंठस्थ नहीं हृदयस्थ किया।
कंठस्थ किया हुआ तो भैया कभी न कभी धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, लेकिन हृदयस्थ किया हुआ कभी भी लुप्त बोलिए ना नहीं होता। अब अच्छा लगा मुझे आपसे। हृदयस्थ किया हुआ कभी लुप्त नहीं होता, जो दिमाग में बैठा है वो कभी न कभी समय के साथ निकल जाएगा, लेकिन जो दिल में बैठा है वो मरते दम भी कहीं नहीं जाएगा भाई, वो हमेशा साथ रहने वाला जो दिल में बैठा है। अब सुखदेव जी सोचने लगे मैं भागवत का प्रचार प्रसार करूं, अब मैं किसे ये रस पिलाऊं भाई हैं, मैं किसको ये दूं कथा। तो भैया सुखदेव जी को कौन मिला ऐसा, तो सुनिएगा जी कथा। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों की जीत हो गई, कौरव हार गए। दुर्योधन का एक मित्र था पंडित जी अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा मिलने गया दुर्योधन को, युद्ध के मैदान में पड़ा था, बस मरने की बात थी। क्या यार तू तो ऐसा हो गया। अश्वत्थामा ने कहा तू मुझे सेनापति नहीं बनाया, अगर तू मुझे सेनापति बनाता फिर देखता मैं क्या दिखाता कमाल, उस कर्ण को तूने सेनापति बनाया। अब दुर्योधन बोला तू हमें की कर बताए दे, अभी तो वो पांचों जीवित बैठे हैं। दुर्योधन कहता मरते मरते दुर्योधन कहता है कि मेरे दिल में और कोई दर्द नहीं, यही दर्द है कि मेरे सब भाई निपट गए, ये पांच में से एक भी नहीं गया। मरते मरते भी मति शुद्ध कहां होती है भाई। अश्वत्थामा बोला तो चिंता मत कर, मैं तेरे को खुश करने के लिए, तेरी प्रसन्नता के लिए उन पांचों पांडवों को मार के आता हूं। दुर्योधन ने कहा जा, ऐसे दोस्त मत बनाओ भैया जिनकी खुशी के लिए आपको मारकाट करनी पड़े, ऐसे मित्र मत बनाओ जिनकी प्रसन्नता के लिए आपको व्यसन करना पड़े, ऐसे मित्र मत बनाओ भाई जिनकी खुशी के लिए आपको उल्टे सुलटे काम करने पड़े, ऐसे दोस्त मत बनाओ जिनके साथ रहने के लिए, जिनकी कंपनी में सोसाइटी में रहने के लिए आपको गड़बड़ करना पड़े। कई साल पहले मैं एक घर में गया था, तो उस घर का जो एक बालक है वो मेरा अच्छा मित्र हो गया। तो एक दिन उसकी मां ने शिकायत करी कि ये गड़बड़ खाता है, रोज तो नहीं खाता लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाता है तब खा लेता है, और कभी कभी गड़बड़ पी भी लेता है। अरे बाप रे, मैंने कहा अब क्या करें। उसको बुलाया मैंने और मैंने उसको कहा कि तुम्हारी माँ क्या कह रही है, तो उसने सफाई क्या दी सुनिएगा आप। उसने कहा महाराज मैं क्या करूं, हमारे स्कूल का जो हमारे कॉलेज का जो होता है टीम होती है जो सब मिल करके ऐसे फंक्शन बन करते हैं सेलिब्रेशन करते हैं, उसमें मुझे भी जाना पड़ता है, और अगर उसमें मैं वैसा न करूं जैसा वो सब कर रहे हैं तो मैं उनकी सोसाइटी का हिस्सा बन के नहीं रह सकता। वो खा रहे हैं वैसा न खाऊंगा, और वो जैसा पी रहे वैसा नहीं पीऊंगा, वो जैसा पहन रहे वैसा नहीं पहनूंगा, जैसा वो कर रहे वैसा मैं नहीं करूंगा, तो मैं उनकी सोसाइटी का हिस्सा बन के नहीं रह सकता, वो मुझे रखेंगे नहीं अपने ग्रुप में, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं अलग थलग पड़ जाऊंगा, फिर मेरे और भी दूसरे काम अटक जाएंगे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है, ऐसा उसने सफाई दिया। हालांकि बाद में मेरा ज्यादा उधर मिलना जुलना नहीं हुआ,
लेकिन मैंने उसके माता पिता को भी कहा, उसे भी कहा, प्यारे ऐसी सोसाइटी क्या काम की, ऐसे ग्रुप में जुड़े रहना भी क्या काम का जिसके लिए तुमको ऐसा सब करना पड़े। लेकिन ऐसी बहुत जगहों परिस्थिति है, बहुत सारे लोग इसीलिए व्यसन कर रहे हैं, गड़बड़ सड़बड़ खा रहे हैं, कर रहे हैं, क्या करें। नहीं तो जुड़े रहने के लिए जरूरी है। कई लोग कहते हैं व्यापार करते हैं महाराज जी, कहीं गुटखा ऐसे ही खाना सीखें। पूछा भाई क्यों खाते, बोले क्या करें, हमारे सब जो भी आते हैं व्यापारी जिनके साथ हमारा व्यापार चलता वो सब खाते हैं, अब उनके साथ बातचीत करें और वो बना के तो लो थोड़ा लो और न लें तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो सौदे में फर्क आता है, इसलिए लेना पड़ता है। सौदे में फर्क आए तो आए, पर आप व्यसन करके अपने जीवन में फर्क क्यों लाते हैं। इसलिए घाटा स्वीकार करिए, सोसाइटी के बजाय अकेले रहना स्वीकार करिए, पैसा कमाने के बजाय थोड़े गरीब रहना स्वीकार करिए, पर व्यसन और गलत संग किसी भी कीमत पर स्वीकार मत करिए। नहीं हो तो नहीं हो। क्या हो गया, कृपानाथ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे ध्यान में, लेकिन उन सब का जिक्र क्या करना, थोड़े में ही आप सब लोग समझते हैं। तो अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्नता देने के लिए पांडवों को मारने आया, तो पांडवों को भगवान ले गए घुमाने रात को। चलो घूम के आते हैं, रात के समय उनको लेके घूम रहे हैं भगवान। पांडवों के जो पांच पुत्र थे वो पांडवों की जगह सो गए। चलो भाई कोई बात नहीं, पिताजी तो सब घूमने गए हैं, हम लोग आराम करते हैं। अश्वत्थामा आया, उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, पांच पांडव ना सही इनके यही सही, बेटे ही सही, इन्हीं को समाप्त कर दूं। और उसने जो है पांच पांडवों के पुत्रों को समाप्त कर दिया और सबके माथे बांध कर ले आया दुर्योधन के पास। ले देख मार के आ गया मैं। भीम ने कहा तू सबसे पहले मुझे क्षमा करें, दुर्योधन ने कहा तू सबसे पहले मुझे भीम का माथा दिखा। भीम का सिर दिखाया, भीम का बेटा भीम जैसा ही दिखता था। दुर्योधन ने वो माथा लेकर पत्थर पर फेंका तो वो टूट गया। दुर्योधन बोला तू झूठ बोलता, तू पांच पांडवों को नहीं मार के आया। अश्वत्थामा बोला हाँ पांडवों को तो नहीं, पांच पांडवों के पांच पुत्रों को मार के आया हूं। अरे धत तेरे की, ये तूने क्या किया, हमारे कुल में कोई पानी देने वाला ही नहीं छोड़ा तूने। और अश्वत्थामा ने कहा तुझे पता कैसे चला कि ये मैं पांच पांडवों को नहीं मार के आया हूं। बोले ये जो तूने भीम का माथा मुझे दिया ना, भीम को मैंने एक बार ठेठ ऊपर महल के ऊपर से नीचे पटका था, तो जिस शिला पर वो पड़ा था उस शिला के टुकड़े हो गए थे, उसका कुछ नहीं बिगड़ा था, उसके शरीर की मजबूती मुझे मालूम है, ऐसे टूट जाए वो भीम का सिर नहीं हो सकता। अब तू भाग जा नहीं तो तेरी नौबत। अश्वत्थामा वहां से भाग गया, लेकिन कितनी दूर भागता था, आखिर अर्जुन ने उसे पकड़ लिया, पकड़ कर लाया और ला करके द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। लो द्रौपदी ये तुम्हारा, ये लो ये तुम्हारा अपराधी, इसी ने तुम्हारे पांच पुत्रों की हत्या की, इसे तुम जो चाहो सो दंड दो, इसे तुम जो चाहो सो दंड दो। तो सोचने लगी द्रौपदी,
द्रौपदी ने कहा मैं इसे कुछ भी दंड नहीं दूंगी। अब आप सोचिए, जिस माता के 5 पुत्रों की हत्या करने वाला हत्यारा सामने खड़ा है और मां जो है वो कह रही मैं इसको दंड नहीं दूंगी। द्रौपदी कहती है कि इसको दंड देने से मुझे क्या मिलेगा, मेरे 5 पुत्र तो गए, वो तो वापिस आने वाले नहीं है, इसको मार के मुझे क्या मिलेगा, इसको मार के मुझे क्या मिलेगा, और इसके पिताजी नहीं है, इसके कोई भाई भी नहीं, तो इसकी मां और अकेली रह जाएगी, तो मैं मेरे सुख के लिए, मेरे समाधान के लिए उसकी मां को कष्ट क्यों पहुंचाऊं, छोड़ दीजिए। लेकिन भीम को गुस्सा आया। भीम बोला तू तो इसको माफ कर दे, लेकिन मेरा क्या होगा, मैंने तो सौगंध खाई है कि जिसने मेरे पुत्रों को मारा है उसको यदि मैं मृत्यु दंड न दूं तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगा, तो फिर भूखो मरूंगा, मैं मरूंगा। तब भगवान ने युक्ति निकाली, ब्राह्मण की चोटी काट दो तो वो उसके लिए मृत्यु दंड के बराबर है, बिना शिखा के ब्राह्मण किसी भी वैदिक दैविक अनुष्ठान के योग्य नहीं। माफ करिएगा, बिना शिखा के ब्राह्मण भी वैदिक अनुष्ठान नहीं करा सकता, देव अनुष्ठान नहीं करा सकता, और बिना शिखा के यजमान भी नहीं करा सकते। अब ये तो हमारे भू देवताओं की उदारता है कि उन्होंने विकल्प बना दिया, आपके चोटी की जगह पर थोड़ी वो मौली बांध देते हैं या वो कुशाका बना के आपके कान पर धर देते हैं कि भाई चलो यही शिखा हो गई, बाकी बिना शिखा सूत्र के यजमान भी कोई काम करने के वो अधिकारी नहीं होते, लेकिन भू देवताओं की उदारता है। तो अश्वत्थामा की चोटी काट दी, अश्वत्थामा को वहां से निकाल दिया, उसको बहुत गुस्सा आया मेरी चोटी काट दी, और उसने क्रोध में भर करके अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा, वो गर्भवती थी, उसके गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब उसका गर्भ जलने लगा, भगवान को वो पुकारती है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कृपानाथ, भगवान को विनती करी उत्तरा ने, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, आप कृपा करिए, संसार में कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां तो सब एक दूसरे की मृत्यु का कारण है, यत्र मृत्यु परस्परम, सब एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने हुए हैं। पहले जब ये श्लोक बोलते थे आज से 3-4 साल पहले, तो मैं सोचता था पंडित जी कि ये ऐसे कैसे, यत्र मृत्यु सब एक दूसरे की मृत्यु का कारण है, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये मैं सोचता था। लेकिन जब ये कोरोना आया तब मेरे समझ में आया कि यत्र मृत्यु परस्पर, किसी ने कहा भाई पहले उसको हुआ, फिर उससे उसको हुआ, ऐसे हो गया, तब समझा यत्र मृत्यु परस्पर, संसार में सब आपस में एक दूसरे की मृत्यु का ही कारण है। पहले मैं बहुत सोचता कि ये श्लोक का मतलब क्या, यत्र मृत्यु परस्पर, हम सब एक दूसरे की मृत्यु का कारण है, बता। अब पत्नी से ही मिली हुई बीमारी से पतिदेव चले गए, पतिदेव से मिली हुई बीमारी से पत्नी चली गई, पिताजी से मिली हुई बीमारी से पुत्र चला गया, ऐसा ही हुआ बीते सालों, यत्र मृत्यु परस्पर। नारायण नारायण। तो हे भगवान, रक्षक सिर्फ आप हैं और कोई नहीं,
रक्षक सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है भैया, रक्षक सिर्फ आप हैं। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। उत्तरा के गर्भ में स्थित शिशु जो था उसने भगवान के दर्शन प्राप्त किए। कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ से उस शिशु का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में, जन्म लेने के बाद में वो सबको देखता तो वो ऐसे ही देखता जैसे कोई ढूंढ रहा हो कुछ। ऐसे कोई भी उसके पास जाता तो उसको ऐसे देखता जैसे वो कुछ परीक्षण कर रहा हो कि ये कौन। लेकिन जब भगवान गए तो फिर भगवान को देखते ही वो बालक एकदम प्रसन्न हो गया। उस बालक का नाम परीक्षित रखा, वो सबकी परीक्षा करता था इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा। अब भैया भगवान इस घटना के बाद कुंती मैया के पास गए और कुंती मैया से कहा, हे कुंती मैया अब मैं जाऊं, बहुत समय हो गया मुझे यहाँ आए हुए, महाभारत का युद्ध हो गया, सब काम हो गया, अब मेरे घर पे मैं जाऊं। कुंती मैया कहती, क्या प्यारे, इतने समय तक तो हम तेरे से सेवा करवाते रहे, अब कुछ तेरी सेवा करने की स्थिति आई है, ध्यान से सुनिएगा, अब कुछ तेरी सेवा करने की स्थिति आई है और अब तू कह रहा कि हम जाएं। ठाकुर जी कहते हैं, माँ हे कुंती बुआ, तेरे पुत्रों ने मेरी खूब सेवा करी है। कुंती मैया कहती है, गोविंद मैंने खुद ने देखा, अर्जुन के रथ के घोड़ों को तू धोता था, ये निर्लज्ज अर्जुन रथ पर चढ़ता था तो तू हाथ पकड़ता था और उसको ऊपर चढ़ाता था। मुझे बहुत अटपटा लगता है कि ये मेरे बेटे तुझसे क्या क्या काम करवा रहे, ऐसी गर्मी में तू उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ को हांकता था। गोविंद तुमने कितना श्रम किया, मेरे बेटों ने तेरी सेवा क्या करी, तुझसे कितनी सेवा करवाई। लेकिन फिर भी भगवान कहते, नहीं मां, तेरे बेटों ने मेरी सबसे ज्यादा सेवा करी। कुंती मैया कहती, गोविंद बता तो सही, मेरे बेटों ने तेरी सबसे ज्यादा सेवा करी कैसे, क्या उन्होंने तुझे भोजन कराया, क्या उन्होंने तेरे चरण दबाए, क्या उन्होंने तुझे क्या सेवा करी। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, ठाकुर जी कहते हैं, कुंती बुआ तेरे बेटों ने मेरी सबसे ज्यादा सेवा करी और वो सेवा ऐसे करी कि मेरी कोई भी बात उन्होंने खाली नहीं जाने दी, मैंने जो कहा वो उन्होंने माना, ये मेरी सबसे बड़ी सेवा। बात मानना सबसे बड़ी सेवा है, हलवा पकौड़ी खिलाना नहीं। एक गुरुजी की कमर बहुत दुख रही थी। पंडित जी आपको पता, कभी कभी कमर दुखती है ना तो पांव से दबाने से ठीक होती है, पांव से दबाना होता है तब जाके वो ठीक होती है। तो गुरुजी ने कहा कि चेला जी, रामदास जी जरा भाई, चेला जरा शिष्य जी, मेरा कमर दर्द हो रही है, जरा पांव से कमर दबा दे। हमारे घर में एक मेहमान आते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं अच्छा नहीं लगता है, तो उनको कमर दबाने का बहुत शौक था, तो हम बच्चों से वो कहते थे कि कमर दबाओ। तो अब क्या करें, मना कर नहीं सकते तो कमर दबाते थे, पांव से दबवाते थे, पांव से दबाते जोर तो आता ही ना भाई, कुछ भी हो तो जानबूझ करके जोर कि वो लगाते हो, कहते बहुत बढ़िया, ऐसे ही करो ऐसे ही करो। फिर उसके बाद उनको भी शायद समझ में आया होगा कि ये
बिना पैसे की नौकरी इनसे नहीं करवाई जा सकती। फिर उन्होंने उसका शुल्क रख दिया 1 रुपया। फिर हम लोग प्रेम से दबाने लगे, 1 रुपया मिलता था तो अच्छा। तो कोई तकलीफ ऐसी होती तो पांव से दबाना पड़ता है। तो गुरुजी ने चेले से कहा कि चेला मेरी कमर दुख रही है, जरा पांव से उसको दबा दे, खूंदना बोलते हमारे वहां, पग से थोड़ा कमर खून दे। तो चेला बोला राम 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 राम, गुरुजी आपके पवित्र शरीर पर मैं अपना पांव कैसे रख सकता हूं? तो गुरुजी बोले बेटा जीभ पर तो रख दिया, जीभ पर तो रख दिया, और क्या रखना। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आई होगी बात, लेकिन गुरुजी ने कहा तू जीभ पे तो पांव रख दिया तुमने, और क्या अब क्या बाकी रहा। तो आज्ञा मानना, बात मानना सबसे बड़ी सेवा है। बात मानना सबसे बड़ी सेवा है। तो ठाकुर जी कहते हैं बुआ जी, कुंती बुआ लगती थी ठाकुर जी के, आप लोगों को पता ही होगा वैसे तो, पर बात मानना सबसे बड़ी सेवा है। तेरे बेटों ने कभी मेरी बात खाली नहीं जाने दी, मैंने जो कहा वो उन्होंने बिना सोचे समझे कहते ही तुरंत किया, बस इसी बात से मैं खुश हूं। और इसीलिए मैं रहा भी, कहीं भी हो भाई, जहां आपकी बात मानी जाएगी वहीं आपको रहने का मन होगा, जहां कोई आपकी सुनेगा ही नहीं वहां आप क्यों रहेंगे। कोई बहू अगर अपने ससुराल में कहे अब मैं यहां नहीं रह सकती, तो इसका मतलब यही है कि घर में कोई उसकी सुनने वाला ही नहीं, उसकी बात मानने वाला ही नहीं। इसलिए बेचारे पतिदेव रहते आज्ञाकारी, हम तो मानेंगे भाई, कोई माने ना माने तो अच्छा रहता है। तो कृपानाथ तुम्हारी हो गई क्या? नहीं हुई, ठीक। तो कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना। तो करुणा निधान, बात मानना बहुत बड़ी सेवा। भगवान का मन इसीलिए लगा पांडवों के पास, भगवान का मन इसीलिए लगा पांडवों के पास, वो बात मानते थे, इसीलिए लगा कि वो बात मानते थे। तो कृपानाथ भगवान कुंती मैया को कहते अब मेरा काम हुआ, अब मैं जाऊं। कुंती मैया ने कहा गोविंद रुक जाओ ना। अब ठाकुर जी ने कहा बुआ जी अब मत रोको ना भाई, अब मैं जाऊं। अब जब भैया बहुत कहा तब फिर श्री ठाकुर जी को लगा कि अब ठीक है। मां कुंती मैया कहती गोविंद अगर जाते हो तो जाते जाते मुझे जाते जाते मुझे विपत्तियां देके जाओ। क्यों? बड़ी मुश्किल से तो विपत्तियां खत्म हुई हैं। बोले विपत्तियां आएंगी तो फिर आपका दर्शन होगा, नहीं तो अब सब आराम हो गया तब आपको भी घर जाने की सूझ रही है, नहीं तो अभी हमारे कुछ झंझट चल रही होती तो आप थोड़ी जाते। इसलिए हमारे जीवन में तकलीफ आती रहे ताकि आपका दर्शन भी हमको बार बार मिलता रहे। और माता जी क्या चाहिए आपको बोलो। तो एक बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छी मांग करी श्री कुंती मैया ने, बहुत अच्छी। श्री कुंती मैया कहती है, हाँ कुंती मैया ने कहा अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशमिमं छिंदी दृढ़ पांडु सुवृष्णिषु। ए भगवान,
मेरे ऊपर एक और मेहरबानी कर दीजिए। क्या मेरा मन दो जगह फंसा हुआ है, दो जगह फंसा हुआ है, सब माताओं के फंसे हुए हैं। ओ हाँ, आप कहेंगे महाराज हम सब के फंसे हुए, आपको कैसे पता? बस बायां अलग अलग तो वह को नहीं, कागला हैंग थोड़ काला ही काला है, कहीं पर सफेद कौवा नहीं सुना। दो जगह सब माताओं की ममता रहती, एक तो पीहर में और एक ससुराल में। तो कुंती मैया कहती मेरी भी ममता ऐसे ही फंसी हुई है। कुंती मैया कहती है दृढ़म पांडुसु वृष्णिषु, पांडुसु बोले तो मेरे ससुराल वाले और वृष्णिषु बोले तो मेरे पीहर वाले। अब इनमें मेरा मन फंसा हुआ, तो मेरा जो इनमें बंधन है वो बंधन जो मेरा है इनमें से छूट जाए, और ना तो मेरा मन ससुराल वालों में जाए ना मेरा मन पीहर वालों में जाए। जैसे गंगा जी की धारा अखंड गंगा सागर में आती है, ऐसे ही मेरे मन की धारा अखंड श्री कृष्ण तुम्हारे तरफ आ रही है। माताओं के लिए बहुत मुश्किल है ससुराल पीहर का छोड़ना, मन फंसा ही रहता है। ओहो हो हो, ऐसी ऐसी बूढ़ी माताएं मैंने देखी हैं जिनको चला नहीं जाता है, कमर से तकलीफ, हाथ से तकलीफ, डंडा लेके चलना, लेकिन फिर भी जा रही है। कहीं जाओ, भतीजे के पोते की शादी है उसमें जा रही है। अब बताओ कहां पहुंच रही है। उठ कई लोगों लेना ही, कोई पूछेगा नहीं, वहां बूढ़ा शरीर है, वहां एक किसी सोफे पर बैठा दिया जाएगा, किसी को याद आएगा तो कहेगा जाओ भाई प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, नहीं तो बैठे रहो बस। लेकिन फिर भी वो मन अटका रहता है। ऐसे ऐसे भी सब होते हैं, पर कुंती मैया ने इसीलिए भगवान से कहा मेरे ये टंटा मिटा दो आप, ना तो पीयर में मन जाए ना ससुराल पक्ष में मन जाए, बस जैसे गंगा जी की धारा सीधे गंगा सागर में मिलती वैसे आप में मिले। भगवान प्रसन्न हुए और मेरे ये जो बेटे हैं, ये बेटे भले ही इनको राजगद्दी मिल गई लेकिन ये मेरे बेटे हमेशा आपके सेवक बने रहे, इनमें मालिक पना ना आवे, ये हमेशा आपके सेवक बने रहे। मेरे भाई बहन, मिली हुई संपत्ति को यदि भगवान का दिया हुआ साधन सामग्री समझेंगे तो कभी भी मालिक पना आएगा नहीं, और मैंने कमाया है, मैंने यूं किया है तो मालिक पना आ जाएगा। और मालिक इस दुनिया में भगवान है और कोई है नहीं, जबरदस्ती होशियारी करो तो करो। अपने घर में मालिक बन के मत रहिए, मुनीम बन के रहिए, मुनीम बन के रहिए। लोग कहेंगे तो फिर आप रहते तो ऐसे बढ़िया कपड़े उपड़ों में, बोले हमारा मालिक कैसा है, वो कहता नहीं बन ठन के रहो इसलिए ऐसे रहते। कहीं कहीं पंडित जी सेठ लोग अपने ड्राइवरों को इतना चकाचक रखते हैं कि गाड़ी सेट की है कि इसकी है समझता नहीं। मालिक उदार होता है, मालिक दिल वाला होता है तो अपने नौकरों को भी अप टू डेट रखता है। अभी कुछ दिनों पहले महाराज जी एक गाड़ी, बहुत भारी वाली गाड़ी आई हमारे महाराज जी के लिए, बहुत भारी गाड़ी, एकदम महंगी वाली, लेकिन ड्राइवर जी के कपड़े ऐसे थे पूछो मत आप, ऐसे लगता है जैसे कोई वो सर्विस करके देने आए, तो लगता था कि ये ठीक नहीं। अगर ड्राइवर को भी जैसी गाड़ी चमाचम की सेठ जी ने ली ऐसे ड्राइवर भी चमाचम का रखें तो क्या कहना, तो गाड़ी की शोभा और बढ़ जाती है। तो हमारे ठाकुर जी तो ये समझ रखते हैं, इसलिए हम लोगों को चकाचक रख करके अपनी दुनिया की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम बाकी तो सब नौकरी हैं, गए बीते हैं, क्या है, उनकी दी हुई मजूरी पे काम चलता है अपने लोगों का। इसलिए भैया
जीवन में हमेशा मालिक बन करके नहीं, सेवक बन करके रहना है। और सावधानी रखनी है कि उनकी दी हुई सेवा में कोई चूक हमसे न हो। अपना कर्तव्य पालन अपने लोभ के लिए मत करो, अपना कर्तव्य पालन उनकी दी हुई सेवा समझ के करो। अरे थारी चाकरी में चूक कोनी, अरे राखू मारा सांवरिया, अरे राखू मारा सांवरिया, चाकर माने राखो।
अरे सांवरिया रा दर्शन कर सांवरिया रा दर्शन कर सू सैर कसुमल साड़ी ओ पैर कसुमल साड़ी आ तो पैर कसुमल साड़ी मारा सांवरिया साड़ी मारा सांवरिया जागर मारे राखो मारा सावरिया
चाकर मारे को ये बात है, मालिकपना ना आवे, सेवक भाव से रहे। सेवक को कोई रिस्क नहीं होती है, मालिक पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सेवक होना ही अपने आप में बहुत बड़ी सुरक्षा है। अब अपने बुआ के भावों को देखकर भगवान रुक गए। एक भगवान ही है जो भाव देखकर रुकते हैं भाई, बाकी तो सब सुविधा देखकर रुकते हैं। आते ही सुविधा देख करके हैं कि सुविधा है तो जाए, न तो क्यों जाए। आपको दो तीन लोग अपने बेटे की बारात में चलने का आग्रह करें, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, तो उसी की बारात में जाने का आप निर्णय करेंगे, आप नहीं, मतलब एक बात कह रहा हूं, जहां लगे कि हाँ भाई इसके बारात में जाने पर कोई तकलीफ नहीं रहेगी, ये गाड़ी भी वॉल्वो करेंगे, बस भी ले जाएंगे तो भारी वाली लेंगे, और कहीं खाने पीने में अड़चन नहीं आएगी, ये नहीं होगा, इसी के बारात में जाना अच्छा है। लेकिन हमारे भगवान है जो भाव देख कर रह जाते हैं। मारो वालो भूको छे प्रेम नोरे। भावों को महत्व देने वाले भगवान ही है भाई। तभी तो दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके विदुर जी के यहां साग भाजी खाने को पहुंचे। दुर्योधन के सलाहकार तो उसके मामा जी थे, बहुत लोगों के सलाहकार साला जी होते हैं, बहुतों के मामा जी होते हैं, बढ़िया ही होते हैं वैसे, कोई खराब नहीं होते। तो दुर्योधन मामा जी से सलाह लेता था, तो शकुनी मामा जी ने कहा कि अरे दुर्योधन, कृष्ण को अपने पक्ष में करने का तरीका मैं बताता हूं। मैंने सुना है कि श्री कृष्ण बहुत चटोरे हैं, उनको व्यंजन बहुत पसंद है, तरह तरह के खाने पीने के, वो उनको उनकी माँ बचपन में उनको चटोरा कहती थी, तो जब वो आ ही रहे हैं तो उनके लिए इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन तू बना कि बस उन व्यंजनों को खा करके वो एकदम लट्टू हो जाएंगे, और फिर तू जो कहेगा सोई करेंगे। बस मामा जी की बात मान के और दुर्योधन ने जगह जगह से रसोइये बुलाए, कहीं से दाल बाटी बनाने वाले, कहीं से डोसा बनाने वाले, कहीं से भेलपूड़ी बनाने वाले, कहीं से हलवा बनाने वाले, कहीं से रबड़ी बनाने वाले, ऐसे और हजारों हजारों चूल्हे जगा दिए दुर्योधन ने। रात दिन एक करके बनाओ व्यंजन। ये जितना अपना हॉल है ना, इससे कहीं ज्यादा बड़ा हॉल, व्यंजन सजा दिए, श्री कृष्ण को लाएंगे, खिलाएंगे, अपने बस में कर लेंगे। भगवान आए, भगवान ने कहा भाई पांडवों को आप या तो उनका राज्य दो, नहीं दे सकते हो तो 5 गांव ही दे दो, वो वहां पर अपना समय तो बिता लें। दुर्योधन बोला सुई की नोक जितनी भी नहीं देंगे, बड़े आए 5 गांव वाले। फिर जो घटना घटी वो सब मुझे नहीं बताना। भगवान फिर बोले मैं चलता हूं। दुर्योधन ने बोला कहाँ चलते हो, अरे हमने आपके लिए बहुत भारी प्रबंध किया है, एकदम सरप्राइज है, देखोगे देखते रह जाओ, ऐसा जबरदस्त है, चलो तो सही।
ठाकुर जी मन ही मन बोले, बात तो मानता नहीं और तेरा सरप्राइज लेने मैं चलूं। बात मानता तो चलता भी था। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं चल सकता तुम्हारे साथ, मैं कहीं और जाने वाला हूं। लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैंने इतनी सब तैयारी करी, इतना सब चीज किया, उसका क्या? ठाकुर जी बोले, ये मेरी ओर से सरप्राइज। अब तू ही आनंद ले। और भगवान विदुर जी के यहां गए, भगवान विदुर जी के यहां गए और वहां जाकर के जो भी साग भाजी मिला सोई प्रेम से पाया। तो भगवान भैया ये सब चीजें नहीं देखते हैं। आजकल आप लोग शादी ब्याह में कितने व्यंजन बनाते हो, समझ में नहीं आता खाने के लिए लोग आ रहे हैं कि भूत आ रहे हैं। विवाह में जाने वाला एक भी व्यक्ति उन सारे व्यंजनों को खाता हो तो बताएं, कोई ऐसे वीर हैं जैसे कल वो सूर्यवंशम वाले थे ऐसे कि महाराज हम गए शादी में और वहां 100 व्यंजन थे और 100 के 100 खा के आए, ऐसा कोई है? कोई नहीं, कृपानाथ। पर ये सब करना क्यों? क्योंकि आने वाले अतिथि इसी से खुश होते हैं कि हाँ इतनी तैयारी की है जी, इतनी व्यवस्था की है जी। जो मेहमान आते हो इसी से प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, यदि 8-10 चीजें उनके सामने रख दी जाए भाई इसी से इसी को दबा के खाओ तो एकदम मुंह छोटा हो जाएगा, ये क्या, ये कोई पार्टी है, ये कोई रिसेप्शन है, ये कोई भोजन है? अब इनको पूछो कि घर में तो खाली दाल रोटियां खाओ हो, घर में तो दाल रोटी 1-2 सब्जी रोज आपकी श्रीमती जी आपको थोड़ी इतने व्यंजन बना बना के देती होगी। तो 2-4 चीजों से तो बढ़कर ये 10-12 चीजें, इतने में क्यों नहीं समाधान मान लेते? पर वो सब इससे खुश नहीं होते, सब खुश उसी से होते हैं। हाँ इतनी भले खा पाएंगे नहीं, लेकिन थाली में लेके 1 ग्रास खा के फेंक करके ही अपने मन को समाधान देंगे। लेकिन नहीं, इतना सब उसी से खुश होते, इसलिए करते हैं बेचारे। आप लोग भी क्या करें, खाने वाले भी आप ही लोग हैं, वो सबसे खुश होने वाले भी आप ही लोग हैं, करने वाले भी आप ही लोग हैं। लेकिन हमारे भगवान इस सब व्यंजनों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं, भावग्राही हैं। इसलिए भगवान कुंती मैया के भाव को देख करके रुक गए और फिर उसके बाद भगवान दादा भीष्म को मिलने के लिए गए। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, वहां गए। दादाजी भगवान का इंतजार कर रहे थे, कब आएंगे कब आएंगे। आहा, वहां पहुंचे। हाँ बहुत अच्छा संवाद हुआ पंडित जी, बहुत बढ़िया संवाद हुआ। सबसे पहले वहां पहुंचे, दादा ने धीरे धीरे आंखें खोली, भीष्म पितामह ने, और 3 लोगों से उन्होंने संवाद किया। एक तो युधिष्ठिर जी से, एक अर्जुन से और एक श्री कृष्ण से। युधिष्ठिर को क्या कहा? तस्मादिदं देवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। ध्यान से सुनिएगा युधिष्ठिर, जो कुछ भी घटनाएं घटी ये ईश्वर इच्छा के अधीन है। जो कुछ भी हुआ ये सब ईश्वर इच्छा के अधीन है।
तुम ईश्वर की इच्छा का आदर करते हुए प्रजा का पालन करो, और भगवान ने यदि तुम्हें यहाँ राजा बनाया है तो तुम प्रजा का पालन करने में समर्थ हो, इसीलिए तुमको राजा बनाया है। दुर्योधन इतने समय तक राज्य पर अधिकार करके बैठा रहा, पर राजगद्दी पर नहीं बैठ सका, और तुमको अगर भगवान ने राजगद्दी पर बिठाया है तो तुम प्रजा पालन करने में समर्थ हो, इसलिए तुम प्रजा का पालन करो। इतनी बात युधिष्ठिर से कही। फिर उसके बाद उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन एशवे भगवान साक्षादात्यो नारायण पुमान। ये जो श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। अरे पांडवों, अर्जुन यमन्यसे मातुलेयम् प्रियमित्रम् सुहृत्तमम् अकरो सचिवम् दूतम् सौरदादथ सारथिम्। जिनको तुम अपने मामा का बेटा भाई मानते हो, जिनको तुम अपना प्रिय मित्र, अपना सबसे बड़ा हितेशी मानते हो, और जिनको तुमने प्रेमवश अपना मंत्री बना लिया, अपना दूत बना लिया, अपना सारथी तक बना लिया, कोई संकोच नहीं किया, वो कोई तुम्हारे साधारण मामा के बेटे नहीं हैं, वो साक्षात परमात्मा हैं, वो साक्षात प्रभु हैं। ये तुम ध्यान रखना। इसके बाद में ये तो भगवत परायण, ये भक्त वत्सल हैं, तुम्हारी भक्ति से ऐसे हो गए। और इसके बाद में भीष्म दादा ने ठाकुर जी से संवाद किया, भगवान को कहते प्रभो अब जाते जाते मेरी बेटी से ब्याह कर लो। ओ सब लोग आश्चर्य करने लगे, ये तो अखंड ब्रह्मचारी, इनकी बेटी कहां से आ गई, ये दादाजी का क्या चक्कर, अचानक बेटी कहां से आ गई। अजी बड़ों की बातों में बड़ा रहस्य होता है, समझ में आवे तो ही आगे बात करना, न समझ में आवे तो पहले समझना फिर आगे रखना। दादा भीष्म जिस बेटी के ब्याह की बात कर रहे हैं वो बेटी कोई और नहीं, उनकी बुद्धि है, उनकी मति। तो भगवान ने कहा आपकी बेटी को मैं पसंद तो हूं, बोले बहुत पसंद हो, और कोई विकल्प ही नहीं पसंद आया उसको। इतने समय से मेरी बेटी कुंवारी थी, उसको पसंद आए तो बस आप ही पसंद आए, आप ही पसंद आए, और कोई पसंद ही नहीं आया। और आपके पसंद आने के बाद फिर कोई और दूसरा पसंद ही नहीं आया, उसके बाद भी मेरी बेटी ने कईयों को देखा लेकिन नहीं, जो दिल आप पे आया उसके बाद कहीं और आया ही नहीं, तो इसलिए आप मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लीजिए। मति बुद्धि। किसी किसी का दिल प्यार करता है, बुद्धि प्यार नहीं करती, और सच्चा प्यार वहां होता है जहां दिल और बुद्धि दोनों एक हो जाए। दादाजी ने कहा इतिमति रूप कल्पिता वित्रिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यत् भवप्रवाह। और एक श्लोक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उच्चारण करने में भी बहुत अच्छा लगता है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम
रवि कर गौर वरांबरम दधाने वपुरलक कुला वृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वध्या। दादा भीष्म बता रहे हैं कि मुझे आप कब पसंद आए। बोले पसंद तो आप शुरू से ही आ गए थे, जब मैं आपके बारे में सुनता था तब से ही। दुनिया में एक भगवान ऐसे हैं भैया, जिनके बारे में सुन सुन के लोग उनसे प्रेम करते हैं। जिन लोगों को हम मिलते हैं उनसे भी हम इतना प्रेम नहीं करते, जिनके साथ रहते हैं उनसे भी इतना प्रेम नहीं करते, लेकिन हमारे भगवान ऐसे हैं जिनके बारे में सुन सुन के हम प्रेम करते हैं। अब तक भगवान को देख के प्रेम कितनों ने किया, भगवान को देखकर प्रेम किया हो, ऐसे उदाहरण मेरे हिसाब से कोई मिल जाए, कोई तो एक आध कोई मिल जाए तो अपवाद तो ठीक है, बाकी नहीं, बिना देखे ही प्रेम करने वाले। रुक्मणी जी ने भगवान से प्रेम किया। माई हो आप तो कथा सुनती रहती हो, चलो बताओ रुक्मणी जी ने भगवान से प्रेम कैसे किया, उनकी फोटो देख के, उनको देख के कैसे है? सुन के देख के किया, मिल के किया, सुन के किया? हाँ, सुन के किया। सुन के किया भगवान ऐसे। बाकी आज तक किसी ने भगवान को देखा कहां, फोटो कहां देखी क्या? आप कहोगे ये रही ना फोटो, ये फोटो कैसे बनी भाई? कहीं भगवान चित्रकार के आगे खड़े हो, ले भाई बना तू मेरी फोटो बना। चित्रकार सुंदर से सुंदर जो चेहरा बना सकता था वो बना दिया और उसका नाम भगवान दे दिया। इसलिए कहीं ये फोटो लेके मत बैठना, आपकी भगवान दर्शन देंगे तो मिलान करेंगे। दादा भीष्म कहते मैंने तो प्रेम तो आपको आपके बारे में सुन सुन के ही कर लिया, लेकिन जब आप पांडवों के दूत बनकर आए तब मैंने आपको देखा, तब मेरा प्रेम और बढ़ गया। और फिर मैंने आपको युद्ध के मैदान में देखा, युद्ध में आपकी अलकावली उड़ उड़ करके आगे आती थी और आप बीच बीच में उनको पीछे करते थे। आपके मस्तक पर स्वेद बिंदु, आप पीतांबर से उसको पहुंचते थे। आपके श्याम श्रीअंग पर मैदान की धूल उड़ उड़ करके जमा हो जाती थी और आप श्याम रंग से पांडु रंग हो जाते थे। वो सब मुझे याद है, वो सब मुझे याद है। दादाजी का प्रेम बहुत अलौकिक है, बहुत अलौकिक। और बुढ़ापे में प्रेम वैसे होता भी अच्छा वाला है। बच्चे का प्रेम और बूढ़े का प्रेम विशुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के प्रेम में भी कोई विकार नहीं होता और बूढ़े के प्रेम में भी कोई विकार नहीं होता। जब तक दादा कहते रहे, ठाकुर जी खड़े रहे, फिर ठाकुर जी का दर्शन करते करते दादा ने भगवत धाम प्रयाण किया। फिर हमारे ठाकुर जी द्वारिकापुरी आ गए, वहाँ कुछ समय रहे और लीला संवरण कर लिया। फिर पांडवों ने भी जो है भगवान के स्मरण को करते हुए घर छोड़ दिया और वे
हिमालय की ओर चले गए। परीक्षित जी को राजा बना दिया, परीक्षित जी राजगद्दी संभाले, बहुत अच्छे राजा परीक्षित जी। एक बार उन्होंने नदी किनारे देखा एक अत्यंत भयानक आकृति का व्यक्ति गाय और बैल पर प्रहार कर रहा। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, भाई तू कौन है और मेरे राज्य में ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों गाय बैल के ऊपर प्रहार कर रहा है? गौ माता पृथ्वी का स्वरूप है और बैल धर्म का स्वरूप है, इनके ऊपर प्रहार करना अच्छी बात नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं कली हूं, मेरे आने का समय हो गया लेकिन आपके प्रभाव से मुझे अवसर ही नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है, अब आप मुझे जगा दो। तो परीक्षित जी ने कहा, जाओ जहां झूठ बोला जाता है, जहां कपट होती है, जहां हिंसा होती है, व्यभिचार है, जुआ खेला जाता है, ऐसी ऐसी जगह पे जाके तू रहे। कलयुग बोला, वहां तो मैं पहले से ही रहता हूं, वहां तो पहले ही मेरी कॉलोनियां बनी हुई है, कोई नई जगह दो मेरे को। तो पता नहीं हमारे परीक्षित महाराज को क्या सूझा, उन्होंने स्वर्ण में स्थान दे दिया, जाओ तू सोने में जाके रहे। स्वर्ण में स्थान दे दिया। अब स्वर्ण में स्थान दे दिया कलयुग को। अब कलयुग बोला, भगवान अब मैं क्या करूं। कलयुग भगवान के पास में गया, भगवान राजा परीक्षित ने मुझे स्वर्ण में स्थान तो दे दिया लेकिन स्वर्ण हर किसी के पास तो नहीं होता, तो मैं सबके ऊपर शासन कैसे करूंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जा, महीने में दो दिन तुझे अन्न में रहने की छूट है। अब महाराज सब हाय हाय करने लगे कि अगर ये अन्न में रहेगा तो अन्न तो रोज खाते हैं, महीने में दो दिन ये अन्न में रहेगा तो जिस दिन ये रहेगा उस दिन अन्न खाते ही हमारे तो भजन बिगड़ जाएंगे, जीवन बिगड़ जाएगा, साधना बिगड़ जाएगी। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अभी मैं ब्रह्मा जी को प्रेरणा देता हूं। और ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रेरणा दे दी और कृपानाथ श्री ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग महीने में दो दिन तुझे अन्न में रहने की छूट है, उस दिन जो अन्न खाएगा उसके ऊपर कलयुग तेरा असर होगा। और वो दो दिन कौन से है महाराज? कलयुग ने कहा, झटपट बताओ। बोले, दो एकादशी। अरे बाप रे, अरे राम 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 राम। तो माइयों को तो सब पता है। तो दो दिन है एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो भगवान के भक्त एकादशी का व्रत करते ही हैं, तो उस एक दिन वो अन्न नहीं खाते हैं, इसलिए वो कलयुग के प्रभाव से बच जाते हैं। और जिनको उस दिन भी पकोड़े खाने की मन में आती है वो फंस जाते हैं। तो एकादशी के दिन अन्न में कली का निवास रहता है, इसलिए उस दिन अन्न खाने से बचना चाहिए। कोई अत्यंत वृद्ध रुग्ण हो और कोई अत्यंत शिशु हो, उसके लिए अनिवार्यता नहीं, उसके अतिरिक्त जो भी हैं उन्हें व्रत अवश्य करना चाहिए। अब स्वर्ण में स्थान दिया, राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट पहन रखा था, उसमें कलयुग घुस गया और उसने खोपड़ी घुमा दी। अब वो राजा परीक्षित घूमते घूमते उसको प्यास लगी, तो एक महात्मा जी का स्थान आया, आश्रम आया, वहां पर उसने परीक्षित जी ने घोड़े पर बैठे बैठे कहा, अंदर कौन है?
जो पानी पिलाओ, प्यास लगी है। मैं यहाँ का राजा हूं। अब महात्मा ने सोचा, हमारे राजा तो परीक्षित जी, और वो इतने अशिष्ट नहीं है कि घोड़े पर बैठे बैठे जल मांगे। हम किसी से क्या मांगते हैं उससे भी हमारा ये हमारे स्वरूप का पता चलता है कि हमारा स्तर क्या है। हमारी वाणी सुनिएगा कृपानाथ। एक सड़क के किनारे पर एक सूरदास जी बैठे रहते थे। तो एक बार एक ठाकुर साहब घोड़े पर बैठे थे, उनका नौकर उनके साथ साथ चल रहा था। तो नौकर बोला, हे अंधे बाबा, राम राम। तो अंधा बोला, हाँ नौकर भाई, राम राम। ठाकुर साहब बोले, सूरदास जी राम राम, ठाकुर साहब राम राम। किसी तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि तू तो अंधा है, तुझे कैसे पता चला कि पहले बोला वो नौकर था, बाद में बोला वो ठाकुर था। वो बोला, मारी आंख क्या फूटोड़ी है, हियारी थोड़ी फूटोड़ी है, मेरी भीतर की थोड़ी फूटी हुई है। अरे मैं उसकी बोली से ही समझ गया, जिसकी बोली में ऊंचे शब्द हैं वो निश्चित रूप से जीवन में भी ऊंचा होगा, और जिसकी बोली में हल्के शब्द है वो होगा ही हल्का। हमारे बोलने से भी हमारे स्तर का पता चलता है कि हमारा स्तर क्या है, बोलने से भी। तो कृपानाथ, महात्मा ने ध्यान नहीं दिया तो परीक्षित जी ने गुस्से में भर करके एक मरा हुआ सांप उठा करके और उसके महात्मा जी के गले में डाल दिया। महात्मा जी ने कोई विरोध नहीं किया, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन महात्मा जी का एक पुत्र था श्रृंगी ऋषि, उन्होंने जब सुना तो उनको बड़ा क्रोध आया, मेरे पिता का ये अपमान किया। उन्होंने श्राप दे दिया, जिसने गले में सांप डाला है सातवें दिन तक्षक नाग के दंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित जी घर आए, घर आकर के जैसे ही उन्होंने मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही भैया उनको ख्याल आया, आज मेरे हाथों से बहुत गलत गलत हो गया। जिन हाथों से नियमित रूप से महात्माओं के गले में पुष्पहार पहनाता था, आज उन हाथों से महात्मा के गले में सर्प डाल दिया, ये बड़ा पाप हो गया। प्रभो, उन्होंने बहुत दुखी हो रहे परीक्षित जी। इतने में एक ऋषि के दूत ने आके कहा कि आपको तो श्राप मिल गया है, सातवें दिन तक्षक नाग के दंश से मृत्यु होगी। तो परीक्षित जी दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हुए कि चलो मैंने जो पाप किया उसका मुझे ठीक दंड मिल गया, अब मैं आराम से मेरा यह कर्म बंधन यहीं का यहीं निवृत्त हो जाएगा। और वो आकर के वहां गंगा किनारे आकर बैठ गए। महात्मा लोग आने लगे, उनको बताने लगे, ऐसा करो ऐसा करो, यूं करो यूं करो। अब वो कह, क्या करूं, पहले मेरे तो खोपड़ी में तो सांप घुसा हुआ है, सातवें दिन तक्षक नाग आएगा, दंश करेगा, मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं। पहले ये डर तो निकले, जब तो कोई भजन हो। तब भैया संयोग से उसी समय श्री सुखदेव जी का आगमन वहां पर हुआ। सुखदेव जी को देखते ही राजा परीक्षित को लगा कि मेरा तो समाधान चला के आ गया। चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके सुखदेव जी को सारी व्यथा बता दी, बाप जी ऐसा ऐसा हुआ है, अब मैं क्या करूं। सुखदेव जी ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं मर जाऊंगा ये तू छोड़ दे पशु बुद्धि, त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि। कुछ नहीं, मिलने की बातें सोचो, मरना क्या है। और सुखदेव जी सुंदर बातचीत करने लगे राजा परीक्षित के साथ, राजा परीक्षित को बल मिलने लगा। राजा परीक्षित पूछता है, महाराज इस संसार में मरते मरते प्राणी के लिए जरूरी क्या है,
अत पृच्छामि संसिद्धि योगिना परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी मृत्यु माथे पर आई है उसके लिए क्या है। तो सुखदेव जी कहते एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम मन्ते नारायण स्मृति। उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जैसे भी हो अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो जाए। मन्ते नारायण स्मृति। राजा परीक्षित ने विविध प्रकार के प्रश्न पूछने शुरू किए, सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा। श्री विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद को केंद्र बना करके और सुखदेव जी राजा परीक्षित की सृष्टि विषयक जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। सबसे पहले तो श्री ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत का आश्रय लेकर के सृष्टि विस्तार करने की योजना बनाई, मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनुजी महाराज ने कहा हम कहां सृष्टि करें, क्योंकि पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जल में ले गया है। तब ब्रह्मा जी की नासिका से एक वराह ने जन्म लिया और वो धीरे धीरे विशाल हो गए, समुद्र में कूद पड़े और समुद्र में जाकर हिरण्याक्ष दैत्य का वध करके पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए और वहां पर पृथ्वी को स्थापित किया। जी बोलिए वराह भगवान की। तो वराह भगवान ने ऐसी कृपा करी। वराह भगवान को जो पसीना आया था, उनके पसीने से जो अन्न उत्पन्न हुआ उसे तिल कहते हैं। इसलिए तिल को पवित्र मानते हैं क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान के पसीने से हुई है, स्वेद से हुई है इसलिए। और भगवान वराह ने अपने, आदि वराह भगवान ने अपने शरीर को ऐसे झाड़ा तो उनके जो रोम गिरे उससे कुशा उत्पन्न हुई है। कुशा जानते हैं ना, डाब, जो ग्रहण आदि के अवसर पर हम पवित्रीकरण के लिए रखते हैं, उसका जन्म भगवान के रोमावली से हुआ है इसलिए उसे भी पवित्र मानते हैं। आहा, पृथ्वी की रक्षा करी भगवान वरा ने, इसलिए पृथ्वी भगवान की पत्नी हुई। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समक्ष्वमे। अब आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। श्री परीक्षित जी महाराज कहते महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था जिसके लिए भगवान ने इतना सब किया। बोले भाई ये एक हिरण्याक्ष नहीं था, ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों कौन थे जी? अरे भगवान के भगत थे, छोटे छोटे सनत कुमार। दिखते तो 5 साल के थे, फिर उम्र थी हजारों साल। ये एक बार भगवान को मिलने के लिए आए, भगवान की याद आई इनको बहुत। तो भगवान की याद आई तो ये भगवान को मिलने के लिए वैकुंठ में आए तो ये जय विजय ने इनको रोक दिया, जाने नहीं दिया। कहाँ जाते हो? अभी नहीं जा सकते। अब ये बोले हमको भगवान की बहुत याद आ रही है, हम रह नहीं सकते, हमको मिलने दो भाई। पर कभी कभी कुछ कुछ लोगों को क्या हो जाता है, वो कुछ ज्यादा ही खड़ूस हो जाते, नहीं नहीं जा सकते, नहीं नहीं। सनत कुमारों ने कहा रे भाई तुम कैसे हो, भगवान तो भगवान के स्वभाव में तो कितनी दयालुता है, विनम्रता है। भगवान तो अपने भक्तों को कितना प्रेम करते, अपने संतों को कितना प्रेम करते, और तुम ऐसे कड़क बने हो, नहीं जा सकते। स्वभाव अच्छा नहीं है तो तुम वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं। सुन लेना भाइयों बहनों,
वैकुंठ में रहने के लिए पुण्य नहीं लगता है, अच्छा स्वभाव लगता है। इसलिए पुण्य पर जितना जोर है उतने में से थोड़ा जोर अपने स्वभाव पर भी सबने देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ बाप जी कह रहा है सनत कुमार। स्वभाव में अच्छा ही नहीं है तो वैकुंठ में कैसे रहोगे? इसलिए स्वभाव अच्छा होना जरूरी है। तो भैया सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, तुम्हारे जैसे स्वभाव वालों की जगह यहां नहीं है, नीचे है, जाओ धरती पर, वहीं रहो तुम लोग। तब भगवान उठ कर के आए, भगवान ने सनत कुमारों से माफी मांगी। सेवक की गलती स्वामी की गलती होती, मैं माफी मांगता हूं। तो फिर सनत कुमारों ने भी कहा, महाराज हम भी माफी मांगते, हमने भी आपके भगत के ऊपर पार्षदों पर गुस्सा किया। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं ये गुस्सा तो मेरा ही भेजा हुआ था, इनको बड़ा थोड़े ये थोड़े हो भी रहे थे ऊपर नीचे, थोड़ा सा इनको प्रसाद देना भी जरूरी था, कोई बात नहीं, ये तो मेरी ही प्रेरणा से हुआ, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। अब सनत कुमार विराजे थे, श्री ये जो दोनों थे जय विजय भगवान के द्वारपाल जिनको श्राप दिया, इन्होंने सनत कुमारों से प्रार्थना करी, महाराज अब हमको दंड तो दे दिया आपने, अब थोड़ी दया भी तो आ रही होगी ना हमारे पे। तो सनत कुमारों ने कहा, हाँ दया तो आ रही है। तो महाराज दया आ रही तो एक मेहरबानी कर दो ना श्राप के साथ साथ। क्या? बोले मेहरबानी ये कर दीजिए कि हम किसी भी योनि में जन्मे, भले ही राक्षस बने, पर हमारे को भगवान की याद बनी रहे, भगवान की स्मृति बनी रहे, बस इतनी कह दीजिए। कहीं ना कहीं हमारा भगवान से ऐसा जुड़ाव हो जाए कि हम भगवान को भूले नहीं। आप देख लो, विभीषण महाराज जी शायद कभी राम को भूल गया होगा, लेकिन रावण कभी भी नहीं भूला। महाराज जी कोई मेरी बात को ऐसे मत ले लेना कि मैं कोई रावण की महिमा स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उनके आचरण के कारण वो हैं तो वैसे हैं तो हैं, मैं उनको स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। लेकिन महाराज जी विभीषण उठने के बाद राम राम करता था, और रावण डर के मारे नींद में भी राम राम करता था। रावण उठने के विभीषण उठने के तेई समय विभीषण जागा और राम राम तेई सुमिरन कीना। विभीषण जगने के बाद राम राम करता था, लेकिन ये रावण जो है इसको नींद में भी राम 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 ऐसे करता था, क्योंकि इसने ये जो है इसने सनत कुमारों से आशीर्वाद मांगा था कि हम भले ही राक्षस बने पर हमको भगवान की विस्मृति नहीं। क्यों जी भगवान की विस्मृति क्यों ना हो? क्योंकि यही तो कोड है वापिस आने का, इसी नंबर पर तो हम वापिस आ सकेंगे। इसलिए भैया ये कभी भगवान को न भूले, ऐसा उन्होंने कहा। तो यही जय विजय जो हैं दिति कश्यप के यहां ऐसे हुए। संध्या का समय था और दिति ने हट किया कि मुझे संतान चाहिए, संतान चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि शाम का समय संतान के लिए ठीक नहीं, पर वो तो मानी नहीं, जिद करने लगी। तब संध्या को उसका मनोरथ पूरा किया, इस कारण से ऐसी राक्षसी संतान। तो यही जय विजय जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। हिरण्याक्ष को भगवान ने वरा रूप लेकर के समाप्त किया और हिरण्यकश्यपु को नृसिंह अवतार लेकर के। कृपानाथ अब मनुजी महाराज को कहा कि अब आप सृष्टि का विस्तार करें। तब मनुजी महाराज ने दो पुत्र और तीन कन्याओं को उत्पन्न किया। महाराज
प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र, आकुति देवहूति और प्रसूति ये तीन कन्याएं। देवहूति जी का चरित्र बहुत प्रसिद्ध है जी। देवहूति जी का चरित्र बहुत प्रसिद्ध है, जिनका पाणी ग्रहण कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने, भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम ऋषि से कहा वरदान मांगो, तो इन्होंने कहा महाराज मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। तो बोले जरूर करो। तो बोले महाराज लेकिन ब्याह होगा जब भी तो प्रवेश होगा। तो भगवान ने कहा ब्याह कर लो। बोले ब्याह किससे करूं? बोले किसी से भी कर लो। कर्दम ऋषि ने कहा किसी से भी करना होता तो फिर आपको काहे को भाग्य का प्रसाद होता था जो है सो, लेकिन जो होता था वो एकदम दिव्य होता था। और कैसे निपते थे बताओ? अब समझ समझ के नहीं निपते, और पहले बिना देखे कैसे निपते थे? ये सिर्फ हमारा भारत देश है जहां विवाह की 25वीं वर्षगांठ और 50वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। जहां वैवाहिक संबंध इतने लंबे चलते हैं, परदेश के लोग आश्चर्य करते हैं 50 साल से तुम्हारे यही मम्मी पापा हैं। कृपानाथ, कितनी अद्भुत व्यवस्था है हमारे देश की कि यहां के दाम्पत्य कितने सफल है। अब हम लोग अपने दाम्पत्य की अलग से ही कुछ निकाल लिए हैं लकीरें, उसके चलते ये सब घमासान घरों में होते हैं। बाकी जो पुरानी परंपरा है उससे चलें तो आज भी आपको बहुत अच्छा दाम्पत्य सुख मिलेगा। लेकिन वो कुछ तो भगवान ने कर्दम ऋषि को कहा मनुजी महाराज आएंगे अपनी कन्या लेकर, तुम उनके साथ पाणी ग्रहण कर लेना। ऐसा ही सब हो गया। कर्दम ऋषि ने कहा भाई मैं विवाह कर रहा हूं लेकिन
मेरी शर्त है शादी के बाद में संतान होते ही मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। तुरंत चमक गई। अब भाई किसी कोई भी अपनी बेटी के लिए किसी लड़के को पसंद करे और लड़का कहे भाई संतान होते ही मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा तो माँ बाप घबरा जाएंगे ना, भाई छोर हो जा साल भर में ही साल भर बाद हमारी बेटी क्या करेगी। तो मनु जी महाराज भी पंडित जी थोड़े चिंता में आगे किए तो क्या महाराज बनू टाबर वेते ही तो फिर मेरी बेटी का क्या होगा। तो अपनी बेटी को पूछा, सुनिएगा कृपानाथ जरा, कन्या की समझ का स्तर भी कितना ऊंचा होता है। बेटी तेरे पति ऐसी बात कह रहे हैं जिसके साथ तू ब्याह करना चाहती, वो कह रहे हैं कि विवाह होने के बाद संतान होते ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब देख ले तेरा मन है क्या इनके साथ ब्याह करने का। देवहूति कहती है मन तो मेरा पहले से था, ये सुन के और ज्यादा हो गया। अरे इसमें तुझे क्या बड़ी बात लग रही। बोले बड़ी बात पिताजी, जिसने जिसने अभी ब्याह नहीं किया, जिसके मन में आसक्ति से पहले विरक्ति का भाव है, उसका जीवन स्तर कितना ऊंचा हो। जो अर्जन से पहले सर्जन की सोचता है, उसका जीवन स्तर कितना ऊंचा हो। कृपानाथ, देवहूति जी का पाणी ग्रहण हुआ और फिर भैया कर्दम ऋषि तो भजन में लग गए, लेकिन कुछ समय बाद उनका ध्यान छूटा, उन्होंने अपनी पत्नी को देखा। अरे देवी तुम इतनी सेवा में लगी रही, तुमने अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। अपने ऊपर क्या ध्यान देना था, आपकी सेवा हुई यही मेरा सौभाग्य है। फिर उसके बाद में भ्रमण के लिए गए, पहले देखो तप किया, सेवा करी, फिर भ्रमण के लिए गए। ब्याह होते ही नहीं, चलो अटैची उठाई और चलो। कृपानाथ, विवाह होते ही पहला काम होता था पंडित जी महाराज, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं पंडित जी, ब्याह होते ही पहला काम होता था सब देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना, धोक देना। अब देवी देवताओं को तो लोग साल साल भर बाद आते हैं प्रणाम करने के लिए। हमारे उधर कई लोगों की कुल देवियां हैं तो वो आते हैं, तो हम देखते हैं कि वो शादी के समय का दुपट्टा और उस समय का जो मोड़ है वो संभाल के रखते हैं। अब महाराज धोड़ा बाल आऊं ढुका है, अबे वे दुपट्टा गला में गालन, कहे भाई टेम नहीं मिली उस समय, अब जात देवने आए, अबे जाता देवने आए। बताओ शादी को हो गए तीन तीन साल, चार चार साल, दो दो साल, अब जाता देवने आया, मैं देवता ही के जूता देवा या नहीं। अब याद आई है आपको, घूमना पहले, देवी देवताओं को प्रणाम करना वो सब बाद में। हाँ पंडित जी कह रहे पचे टाबरा नहीं भेड़ो ही ले जाए, भाई ये भी साथ में हो जाए। तो भैया ये योग्य विषय है, विवाह होते ही सबसे पहला काम आशीर्वाद लेने का करना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद जो आपको जिम्मेदारियां मिली हैं, जवाबदारियां मिली हैं, वो घूमने फिरने से जो ऊर्जा मिलेगी ना, उससे पार नहीं पड़ेगा, वो आशीर्वाद से ही पार पड़ने वाली। इसलिए विवाह के बाद आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। खैर अब ब्राह्मण को गए, वापिस आए, नौ कन्याएं हुई। कर्दम ऋषि बोले अब मैं तो जाऊं भाई। देवहूति जी ने कहा स्वामी अब आप जाऊं जाऊं करो हो, नौ छोर या पार कौन पाड़ी, आप जंगल में चले जाएंगे फिर इनके विवाह का कौन प्रबंध करेगा, और आपके जाने के बाद मेरे तो दुख आएगा जीवन में, वो दुख कौन दूर करेगा, एक कोई तो हो। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि तुम्हारे यहां भगवान पुत्र बनकर आएंगे, वो सब समाधान कर देंगे। देवहूति को बहुत प्रसन्नता हुई और उसके बाद देवहूति बहुत अच्छे से रहने लगी। अच्छे से तो वो पहले भी रहती थी, लेकिन और थोड़ा ध्यान देने लगी अपने रहनी पर, अपने खान पान पर और अपनी सब बातों पर,
मेरे गर्भ से भगवान जन्म लेने वाले, तो मैं अपना आहार न बिगाड़ूं, मैं अपनी जीवनचर्या न बिगाड़ूं, मुझे ध्यान रखना है मेरे गर्भ से भगवान जन्म ले। मैं माताओं बहनों, आप ही तो किसी जीव को इस धरती पर लाने वाली हो, इसलिए मैं आप ही से कहता हूं, आपके घर में कोई बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले होते हैं तो आप अपने घर को कितना साफ सुथरा और सब कुछ करती हैं और पूरी सजग रहती हैं कि कहीं कुछ बिगड़े नहीं भाई, क्यों? अरे इनके बॉस आने वाले हैं, इनके अधिकारी आने वाले हैं, ध्यान रखो ध्यान रखो ध्यान रखो। ऐसे ही माताओं बहनों, जब आपके गर्भ में कोई जीव आवे तब आपको भी अपना ध्यान उस प्रकार से रखना जरूरी है। आप कहें महाराज बढ़िया खाती हैं, बढ़िया पहनती हैं, और क्या ध्यान रखना, ये खाना पीना ये ध्यान तो सभी रख लेंगे। अपने विचारों का ध्यान, अपनी संगति का ध्यान, अपने खान पान में शुद्धि अशुद्धि का ध्यान, ये अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारी माताओं बहनों को, गर्भवती माताओं बहनों को खिलाने का बहुत चाव रहता है। मोहल्ले की भी माइया आके कहती, भाई तुझे क्या पसंद है वो ही मंगा के खाओ। तो कोई बाजार से कुछ मंगाता है, कोई और बाजार की वस्तुएं खिलाई जाती है, ये सब अच्छा पक्ष नहीं है। आप ये क्यों सोचती हैं कि आपके गर्भ से कोई साधारण शिशु जन्म लेगा? आपको अपने मन में ऐसा भाव रखना चाहिए कि भगवान किसी विशेष को मेरे गर्भ से भेजने वाले हैं। मेरे गर्भ में जो शिशु है वो कोई साधारण नहीं है, कोई दिव्य शिशु। ऐसी आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए गर्भावस्था के दौरान। अजी मैं तो छोटा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, नहीं तो आप कहेंगे महाराज क्या क्या पंचायतियां करते रहते हैं। लेकिन जब आपके पति के द्वारा आपको बीज प्राप्त हो, तब से ही आपको ऐसी अपनी भावना बनानी चाहिए कि मेरे गर्भ में भगवान ने किसी दिव्य को भेजा है, मेरे गर्भ में भगवान ने किसी विशेष को भेजा है। और ये मानसिकता अगर आपकी शिशु के जन्म तक बनी रही तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं जो आएगा वो साधारण नहीं होगा। अजी ये नारियल खाने से और दही खाने से और पकोड़ी खाने से शिशु का स्वरूप नहीं बनता है, मां के विचारों से शिशु का स्वरूप बनता है। आपकी दादी नानी सासू पीछे पड़ती है, रामायण पढ़ लो भागवत पढ़ लो, और आप रामायण भागवत के बीच में मोबाइल रख के अपना करती हैं जैसे तैसे भी, तो ये इसके पीछे कारण क्या है? आपको रामायण पढ़ लो भागवत पढ़ लो इसके पीछे कारण इतना ही है। इन बेचारियों को और तो कोई सूझता नहीं है ग्रंथ, इसलिए कहते रामायण पढ़ लो भागवत पढ़ लो। मैं आपको छूट देता हूं, आप रामायण भागवत के अलावा भी कुछ और पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन वो ही पढ़ो जिससे आपके विचार अच्छे बने, जो आपके विचारों को खूबसूरती दे। ऐसा कोई भी ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं। रामायण भागवत आपसे पढ़वाने के पीछे का इरादा यही है कि आपके विचार उन दिनों सुंदर रहें, आपके विचार उन दिनों सुंदर रहें। तब कोई बढ़िया गर्भ जीव गर्भ से जन्म लेंगे, नहीं तो फिर सब आ ही रहे हैं जैसे आ ही रहे हैं, चल रहा है। तो देवहूति जी ने ऐसा सावधानी रखी, तो उनके गर्भ से भगवान ने कपिल अवतार लिया। बोलिए कपिल भगवान की जय। और भगवान ने कपिल अवतार लेकर के जब भगवान आए तो ब्रह्मा जी स्तुति करने को आए, अपने साथ 9 ऋषियों को लाए, 9 ऋषियों के साथ 9 कन्याओं का विवाह हुआ। कर्दम ऋषि ने पूछा कपिल भगवान को, बेटा मैं क्या करूं, घर में रहूं कि घर छोड़ के चला जाऊं? तो भगवान कपिल ने कहा, पिताजी घर में रहो या घर छोड़ करके जाओ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपका मन कहाँ रहता है। मेरे भाई बहन, हमारे मन की स्थिति सबसे ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, समय तो हो गया लेकिन एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, और ज्यादा देरी नहीं करने वाला मैं।
दो दो दोस्त थे पंडित जी, एक को एक नाचने वाली बहन जी का नाच बहुत अच्छा लगता था और एक को जो है वो एक को नृत्य बहुत अच्छा लगता था और एक को मंदिर का कीर्तन बहुत अच्छा लगता था। ध्यान से सुनना प्लीज। तो एक दोनों शहर में साथ साथ गए, टेम्पो एक ही किया दोनों ने, टैक्सी एक ही करी भाई, दोस्त थे। टैक्सी से उतरकर एक तो नाच गान देखने चला गया, एक मंदिर के कीर्तन में चला गया और दोनों वहां चले गए। अब क्या हुआ जी, एक ने नाच गान देखा, दूसरे ने कीर्तन सुना। वापिस आए तो भैया रास्ते में दोनों ही जय सिया राम, दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों ऊपर पहुंचे तो जो कीर्तन में था उसको जमराज ने कहा इसको नरक में ले जाओ और जो नाच गान में था उसको कहा इसको स्वर्ग में ले जाओ। तो कीर्तन वाले ने विरोध किया, है भाई रात दिन रात रहा है पूरी रात झिंझा कूटिया और मुझे आप नरक में भेज रहे और ये वहां नाच गान वाली के नाच गान देख के ताली पीटता रहे इसको आप स्वर्ग में भेज रहे, ये कैसा न्याय है। तो जमराज जी ने कहा प्यारे ये रात भर नाच गान वाली के उसमें बैठा रहा पर इसका ध्यान यही बना रहा कि वो कीर्तन कर रहा होगा, अभी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो कीर्तन चल रहा होगा, अभी वो चल रहा होगा। तो ये देख नाच रहा था पर ध्यान इसका कीर्तन में था और तू कीर्तन में था पर सोच रहा था अभी वो नाच गान वाली यूं लटके दिखा रही होगी, ऐसे कर रही होगी, ऐसे कर रही होगी। इसी का ये परिणाम। इसलिए भैया जी शरीर के साथ साथ कथा में मन से उपस्थित रहना भी अनिवार्य है। ये बात कपिल भगवान ने अपने पिताजी से कही। पिताजी कपिल भगवान की परिक्रमा करके वन को जाते हैं, बाद में माता देवहूति को भगवान कपिल सांख्य शास्त्र के माध्यम से दिव्य ज्ञानोपदेश करते हैं और माँ भी अपने पुत्र कपिल से प्राप्त ज्ञानोपदेश को ग्रहण करके भगवत धाम की ओर प्रस्थान करती है और भगवान कपिल गंगा सागर की ओर प्रस्थान करते हैं और हम लोग अब आरती की ओर प्रस्थान के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन कुछ देर अभी और आप बैठें, आज आप सब लोगों से एक प्रार्थना है, गुजारिश है कि यहाँ हमारी सुंदर प्रभात फेरियाँ भाग्यनगर में संचालित होती हैं जो सभी के लिए वंदनीय हैं। जिस प्रभात फेरी में भाग लेने वाले सभी लोग समर्पित भाव से, सिर्फ निष्काम भाव से, कोई मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, सबके कानों में भगवान का पवित्र नाम पहुँचे इसी उद्देश्य से निकलते हैं। परसों के दिन श्री सुल्तान बाजार की जो प्रभात फेरी है वो सुल्तान बाजार की प्रभात फेरी में कोई अकस्मात हो गया, कोई टैक्सी ने कुछ प्रभात फेरी के हरि भक्तों को थोड़ा व्यथित कर दिया, घायल कर दिया, तो वो सब हरि भक्तों को शरीर में कष्ट हुआ है। तो हम सब लोग मिलकर के आज थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन इस भाव से करेंगे कि प्रभात फेरी के जिन हरि भक्तों को देह कष्ट हुआ है उनके उस कष्ट की निवृत्ति हो जाए, वो शीघ्र स्वस्थ लाभ करें और भगवान के जिस पवित्र नाम से उन्होंने ये सेवा की वो पवित्र नाम उन सब की रक्षा करे। इसी भाव से सभी लोग थोड़ी देर के लिए कीर्तन का दान करें और अपने घर जाकर के भी आप एक एक भगवान नाम की माला, राम नाम की माला उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए समर्पित करें, ऐसी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, राधे गोविंदा।
यह नाम संकीर्तन उन सभी हरि भक्तों को समर्पित है। सभी ब्राह्मण देवताओं से भी मेरी प्रार्थना है कि एक एक माला आप लोग भी मृत्युंजय महामंत्र की उन लोगों को समर्पित कीजिएगा, और आप सब भी घर जाने के बाद एक एक माला भगवान नाम की उन लोगों के लिए समर्पित करिएगा। आइए आरती के लिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे, सभी को भाव श्रद्धा से जय श्री कृष्ण। सित कमला कुछ
नारायण नारायण नमः हे माधु